हर दिन में दो चैप्टर्स कंप्लीट करके विल बी कंप्लीटिंग दिस एट चैप्टर्स विद इन नेक्स्ट फोर डेज आज बारी है चैप्टर नंबर ट्वेंटी फाइव की एंड ट्वेंटी सिक्स की ये वीडियो जस्ट ट्वेंटी तो फाइव के लिए है ट्वेंटी सिक्स के लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ट्वेंटी सिक्स को भी समझ लेंगे तो सारा का सारा हम गाइडेंस है ये बिकॉज एट द एंड हमने उसी सारे मेजर कॉन्सेप्ट लेने होते हैं सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद इट अच्छा जी चैप्टर ट्वेंटी फाइव इज गोइंग टू बी अबाउट द बॉडी फ्लूड कंपार्टमेंट्स एक्स्ट्रा सेलर फ्लूड इंट्रा सेलर फ्लूड एंड अबाउट एडिमा अच्छा एज वी नो कि हमारे बॉडी में जो वाटर है इट इज़ इट्स फॉर्मिंग एटलीस्ट सिक्सटी परसेंट ऑफ आर बॉडी वेट यू नो ना ठीक है सिक्सटी परसेंट हमारा बॉडी वेट वाटर ही है तो वाटर ऐसे ही रैंडमली नहीं बढ़ा हुआ इट हैज़ बिन अकोमोडेटेड इन सर्टन कम्पार्टमेंट्स और उनको हम कहते हैं ई सी एफ एंड आई सी एफ दैट इज द एक्सट्रा सेलोर कम्पार्टमेंट एंड द इंट्रा सेलोर कम्पार्टमेंट डेफिनेट जो सेल्स के बाहर सारी स्पेसिस हैं जो वहाँ पर पानी प्रेजेंट है दैट विल बी द एक्स्ट्रा सेलर कम्पार्टमेंट का पानी ठीक है और सेल्स के अंदर दैट विल भी द इंट्रा सेलर फुलुड वाटर या मेजा हमसे वाटर ही कहते हैं लेकिन वो हम जनरली एक फ्लूड्स के लिए ट यूज़ कर रहे होते हैं अच्छा अब जो ई सी एफ में पानी पड़ा हुआ है जो ई सी एफ में फ्लूड्स पड़े हुए हैं दैट हैज बीन डिवाइडेड इन टू द प्लाज्मा एंड द इंटरस्टेशियल स्पेसिस वाला फ्लूड ठीक है कि जो सेल्स के दरमियान में स्पेसिस हैं एक तो एक तो वहाँ फ्लूड पड़ा हुआ है वो भी ई सी एफ वाला है ठीक है इसके अलावा जो प्लाज्मा में है जो ब्लड वेजल्स में आ, उसे कहते हैं कि रिस्ट्रेन हुआ हुआ है उसने वहीं पर रहना है वो भी ई सी एफ ही है क्योंकि वो एटलीस्ट अदर देन दैलर वाटर है ठीक है अच्छा तो ये बात होगी कंपार्टमेंटाइजेशन ऑफ द बॉडी फ्लूड्स की कि उसके दो कंपार्टमेंट्स बने हुए ई सी एफ एन आई सी एफ और ई सी एफ में फर्दर वो इंटोस्टियल फ्लूड में भी है और प्लाज्मा में भी है ठीक है अच्छा अब बात की जाती है कि सिंस uh, हमारी बॉडी में हमने वाटर की अमाउंट कॉन्स्टेंट रखनी है हमने उसको चेंज नहीं होने देना तो इट देर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन द इन टेक एंड द आउटपुट राइट अगर हम पानी पीते रहेंगे मगर उसका आउटपुट नहीं हो रहा इट्स इट मीनस दैट हमारे बॉडी में वो अक्यूमुलेट हो रहा है विच इज़ अ डेडली कंडीशन डेफिनेटली तो इस दिस वे हमारी बॉडी में ऐसे मैकेनिज्म हर टाइम काम करते रहते हैं कि जितना हमारा इनटेक हो उतना ही हमारा आउटपुट भी हो राइट अच्छा जी अब इनटेक की हमारी मैक्सिमम हम सोर्सेज ये होती हैं बेसिकली कि हम इंजस्ट कर सकते हैं हम पानी पी सकते हैं हम ऐसे खाने खा सकते हैं इसमें पानी हो जैसे हम जूसेस और फ्रूट्स या एनी थिंग लाइक दैट जो हमारी बॉडी में वाटर की अमाउंट ज्यादा करें दैट विल बी द इनटेक और इस तरह हम लोग तकरीबन ट्वेंटी वन हंड्रेड एम एल ऑफ वाटर इस तरह इनटेक करते हैं दैट इज़ बाई इजेशन राइट सेकंड एक सोर्स होती है कि हमारी बॉडी में जो ऑक्सीडेशन uh, होती है फूड स्टफ्स की उससे भी वाटर प्रोड्यूस होता है एज एन एंड प्रोडक्ट तो वो भी हमारी बॉडी के वाटर uh, uh, जैसे कहते हैं वाटर पूल को इंक्रीज़ करा होता है और उसकी कंट्रीब्यूशन uh, कितनी होती है अबाउट टू हंड्रेड एम एल तो इस तरह से हमारे जो रेगुलर आप पर डे इनटेक ऑफ वाटर कैसे सकते हैं दैट इज ट्वेंटी वन हंड्रेड एम एल प्लस टू हंड्रेड एम एल इक्ल्स टू ट्वेंटी थ्री हंड्रेड एम ऑफ वाटर हम डेली इनटेक कर रहे हैं अब इतना ही हमारा आउटपुट भी होना चाहिए इफ यू रियली वांट टू मेंटेन आवर बॉडी कंडीशंस विद इन अ स्टडी स्टेट राइट अच्छा अब आउटपुट की बात की जाए तो आउटपुट की बहुत सारी सोर्सेज हैं जिस तरह इनपुट uh, की सोर्सेज हैं वैसे आउटपुट के भी डिफरेंट वेज हैं जिसके जरिए बॉडी से पानी अब uh, बाहर जाना है ठीक है फर्स्ट वन बींग द इनसेंसिबल सोर्सेज इनसेंसिबल मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है वी कॉन्ट कंट्रोल दैम दे आर जस्ट हैपनिंग विदाउट आर कंसेंट राइट उसमें सबसे मेजर होता है कि डिफ्यूजन uh, होती है पानी की हमारी बॉडी से लाइक like, uh, आप बैठे हो इवन इफ यू आर नॉट हैविंग स्वेट ग्लैंड वो स्वेटिंग नहीं हो रही इज इट इज सिम्पली द डिफ्यूजन ऑफ वाटर ठीक है आपकी बॉडी से डिफ्यूज आउट हो रहा है कोई प्रॉपर ग्लैंडस नहीं है वहाँ पर कोई प्रॉपर उसके मैकेनिजम्स नहीं है सिम्पली इट हैज़ बिन इट इज जस्ट बींग फ्यूज आउट ऑफ यर बॉडी राइट और डिफ्यूजन दो जगहों से हो रही है थ्रू योर स्किन एंड थ्रू योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आपने सुना होगा ना जो हमने रिस्पायरेशन uh, का मॉड्यूल का कवर किया था कि जो हम एयर इन्हील in, uh, करते हैं वो उसकी बाद में क्या होती है ह्यूमिडिफिकेशन होती है ना जिसमें उसमें वाटर ऐड हो जाता है वाटर पेपर्स ऐड हो जाते हैं है, और उसमें कितना प्रेशर था पानी का फोर्टी सेवन मिलीमीटर ऑफ उम्र रिमेंबर तो यही पानी है जो बेसिकली हमारी बॉडी से इस तरह से निकल रहा है तो वो इनसेंसिबल सोर्स है उसको हम कंट्रोल नहीं कर रहे ठीक है तो इन दिस वे इन सेंसबल सोर्सेस के जरिए तकरीबन 700 हंड्रेड्रेड्रेड ऑफ वाटर डेली हमारा आउटपुट होता है ठीक है और इन सेंसिबल सोर्सेज क्या है दिज अबर डिफ्यूजन थ्रू स्किन एंड डिफ्यूजन थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ओके ये हमारे दो सोर्सेज होगी आउटपुट की अच्छा 700 हंड्रेड एम हम निकाल चुके हैं हम नेक्स्ट सोर्स देखते हैं नेक्स्ट सोर्स इज थ्रू द स्वेटिंग स्वेटिंग के जरिए बेसिकली वेरिएबल अमाउंट्स ऑफ वाटर निकलता है डिपेंडिंग अपॉन योर फिजिकल एक्टिविटी द टेमपेचर एंड योर जेंडर राइट बहुत से फैक्टर्स को अफेक्ट करे होते हैं वहाँ पर आपकी जो ऑन एवरेज हम कहते हैं ना वैसे तो हम कहते हैं कि 0.5 फाइव लीटर्स लेके एज मच एज ट्वेंटी लीटर्स तक पानी निकल सकता है बाय वे ऑफ स्वेटिंग लेकिन हम अगर ऑन एवरेज कहें तो अबाउट 100 एम ऑन एवरेज ठीक है विद इन योर आइडियल कंडीशन कैन से ठीक है स्टैंडर्ड कंडीशन हंड्रेड एम एल तो सेवन हंड्रेड एम एल हो गया बाय इन सेंसिबल सोर्सेज हंड्रेड एम एल हो गया बाय स्वेटिंग अच्छा नेक्स्ट सोर्स इज बाय फिसिस फिसिज से भी एक मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर आउटपुट होता है हमारी बॉडी से और दैट इज अबाउट हंड्रेड एम एल ठीक है तो हंड्रेड एम एल इसका भी हो गया ऐड ठीक है तो टोटल कितना हो गया नाइन हंड्रेड एम एल अब तक हमने उसका कर लिया ठीक है नेक्स्ट होता है बता है किडनी यानी किडनी से वन ऑफ द मेजर वेज जिससे हमारी बॉडी से वॉटर ने निकलना है और ये उसको अकोमोडेट भी करी होती है लाइक हमारे इनटेक को आउटपुट के साथ uh, मैच करके ताकि हमारी बॉडी में एक कॉन्स्टेंट uh, कंडीशन को मैंटेन किया जा सके राइट right? और अगर uh, हम एवरेज देखें तो वैसे तो किडनीज बेसिकली मतलब इनटेक के अकॉर्डिंग ही आउटपुट दे रही होती है लेकिन हम ऑन एवरेज फिर भी देखें तो 1400 हंड्रेड एम एल ऑफ वाटर इज बिंग एक्सक्रीटेड बाय द किडनीज़ पर डे तो ये टोटल मिला जुला के ट्वेंटी थ्री हंड्रेड एम एल ही हो जाता है जितना हमारा इनटेक था उतना ही हमारा आउटपुट भी हो गया इन दिस पे और बॉडी विल बी मेन्टेनिंग इट्स होमस्टेसिस अच्छा जी तो इसमें जस्ट यही लिखा हुआ है इस पर हमारे पेज पर ठीक है अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं उसमें पर हमारी क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस यस जिस तरह हमारी बॉडी में वाटर का बैलेंस होना चाहिए वैसे इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस भी होना चाहिए इफ नॉट मोर देन इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट टू वाटर बैलेंस एज वेल ठीक है तो हमें इलेक्ट्रोलाइट्स को भी बैलेंस में रखना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स जिनको बैलेंस में रखने की जरूरत है वो कौन कौन से है कि नोम सोडियम क्लोराइड बाई कैल्शियम है ना यही ना इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हाँ पोटेशियम भी है तो इनको हम मेंटेन करेंगे एंड उसका काम भी मेजरली किडनीस ही कर होती है किडनीस का काम ही है चीज़ों को मेंटेन करना होमस्टिस को बरकरार रखना ठीक है अच्छा टेबल इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेबल हमें अगेन एक रिव्यू दे रहा है कि हमारे जो इंजेस्टेड होंगे वो ट्वेंटी थ्री हंड्रेड एम होंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग मेनटेन करके तकरीबन ट्वेंटी थ्री हंड्रेड एम ही आउटपुट भी रखेंगे और जिसकी वजह से हमारी बॉडी अपनी स्टडी कंडीशंस को मेंटेन रखेगी तो ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी अच्छा फिर हमने बात की कि यार ई के और ई uh, और आई के अलावा एक और भी फ्लूड की uh, कैटेगरी जिसे हम बोलते हैं ट्रांस सेलुलर फ्लूड है वो क्या होता अच्छा, पुर, uh, है अच्छा बॉडी में बहुत सारी पोटेंशियल स्पेसिस होती हैं लाइक प्लूरल कैविटी पेरिट्रोनल कैविटी और सनोविल कैविटीज़ इसके अलावा जो सी होता है ये सब कुछ जगह है जहाँ पर ना uh, फ्लूड प्रेजेंट होता है वो फ्लूड्स हम बेसिकली कंसिडर करते हैं ट्रांस सेलुलर फ्लूड्स ठीक है वो बेसिकली एक ई सी एफ के जैसे ही होता है लेकिन उसकी कंपोजिशन होती है वो ई सी से कदरे मुख्तलिफ होती है तो इन कैटेगरीज इन प्लेसेस पर जो फ्लूड प्रेजेंट हो को सम, uh, ट्रांस सेलुलर फ्लूड की कैटेगरी में रखेंगे ठीक है एज यू कैन रीड आउट है यहाँ का लिखा था ये वाला हाँ ये ठीक है पेकारियल कैविटी भी आ, आ जाती है इसमें तो मतलब इसकी कंपोजिशन थो थो थोड़ी डिफरेंट होती है लेकिन स्टिल ये बना रही है अच्छा एज अ टोल्ड यू कि हमारी बॉडी में जो टोटल वाटर होता है वो हमारी बॉडी का 60 परसेंट बॉडी वेट बना रहा है ना और uh, 60 परसेंट बॉडी वेट बना रहा है तो उस सिक्सटी में से जो फोर्टी है वो है हमारा आई और ट्वेंटी है वो हमारा ई है ठीक है अच्छा सिक्सटी परसेंट वाटर तकरीबन फोर्टी टू लीटर्स ऑफ वाटर है कितना है फोटी टू लीटर्स ऑफ वाटर ठीक है हमारी बॉडी का जो टोटल पानी है ना टो, टोटल पानी है आई में भी और ई में भी कम्बाइन करके तकरीबन फोर्टी टू लीटर्स ऑफ वाटर है ठीक है जिसमें से तकरीबन सिक्सटी परसेंट हमारे आई में है और फोर्टी परसेंट हमारे ई में है ओके और जो आई सी एफ में इंटर सेलर फ्लूड में कितना पानी है सिक्सटी परसेंट सिक्सटी परसेंट मतलब ट्वेंटी एट लीटर्स आउट ऑफ फोर्टी टू लीटर्स ट्वेंटी एट लीटर्स आर इन द इज़ इन द आई सी एफ़ और बकिया दैट इज़ फोर्टीन लीटर्स इज़ इन दी सी एफ़ अब उस फोर्टीन लीटर्स में से इलेवन लीटर्स हमारे प्लाज्मा का कॉन्स्टिट्रूंट है और बाकी का थ्री लीटर आई थिंक मैंने उल्टा बोल दिया है हाँ एलेवन लीटर हमारा इंटस्टल फ्लूड में होता है और तकरीबन थ्री लीटर्स हमारे ब्लड प्लाज्मा का कंपोनेंट है तो बेसिकली फोर्टीन लीटर्स ओवरऑल आपका ई में प्रेजेंट होता है और तकरीबन ट्वेंटी एट लीटर्स हमारे इंटस्लर फ्लू में प्रेजेंट होता है मतलब तो ज़्यादातर हमारा पानी अंदर ही होता है ए में कम ही होता है अच्छा जी तो ये हम एवरेज करके हैं तकरीबन एक सेवेंटी के मैन के अंदर देख रहे होते हैं जबकि आजकल लोग ओवरवेट हैं तो उसके केसेस में थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे कंडीशन सो ठीक है या तो हम देख चुके हैं इसको अच्छा जी यहाँ से हम लोग कंफर्म uh, भी कर लेते हैं कि हमने जो ई सी एफ आई ए बात की थी वो ठीक की थी या नहीं की थी वन फोर्थ अबाउट प्लाज्मा हाँ ठीक है आई वॉज राइट हाँ तो प्लाज्मा में तकरीबन तीन लीटर होता है और इलेवन लीटर है वो इंडस्ट्रीशियल स्पेसिस में हो गया ठीक है और ये है ई सी एफ़ का ठीक है ई सी एफ़ में से एलेवन लीटर तकरीबन मतलब हम एक तरह से देखें तो थ्री फोर्थ्स ऑफ ई सी एफ जो है तो वो इंडस्ट्रीशल स्पेसिस में होगा और वन फोर्थ ऑफ ई सी एफ जो है वो हमारे प्लाज्मा में होगा ठीक है अच्छा नेक्स्ट हमें कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है नहीं करनी हाँ ब्लड वॉल्यूम कहा जाता है कि ब्लड एक ऐसा मीडियम जिसमें ई सी एफ भी पाया जाता है और आई सी एफ भी पाया जाता है आई सी एफ ऐसे पाया जाता है कि ब्लड में ब्लड सेल्स होते हैं और ब्लड सेल्स के अंदर जो फ्लूड होता है वो आई सी एफ होता है ठीक है तो इन दिस वे ब्लड के अंदर ई सी एफ भी है और जो ई सी एफ है वो बेसिकली प्लाज्मा के फॉर्म में है जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि तकरीबन तीन लीटर ऑफ पानी इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा पड़ा हुआ है तो वो उसका आई है और जो इंटरसेलर फ्लूड और इन द फॉर्म ऑफ रेड ब्लड सेल्स वहाँ पर है फिर बात जाते है हमेटोक्रिट की जाती है हिमाटोक्रिट की हिमाटोक्रिट विनो के एक जो परसेंटेज ऑफ रेड ब्लड सेल्स जो ब्लड का पार्ट होते हैं हम कहते है हैं हिमाटोक्रिट ठीक है आप जब सेंटिफ्यूकेशन करते हो ब्लड की तो जो आपके रेड ब्लड सेल्स नीचे क्या सस्पेंड क्या सस्पेंड तो नहीं कह सकते हैं प्रसिपिटेट uh, कर जाते हैं या नीचे बॉटम पे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो जो एक फ्रैक्शन बनती है ना ब्लड की जिट इज़ ओनली आर बी सीज उसे हम कहते हैं हेमाटोक्रिट ठीक है और ये होता है ऑलमोस्ट फोटी परसेंट इन मेल्स एंड थर्टी सिक्स परसेंट इन फीमेल्स जिसको अगर हम लोग फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो पॉइंट फोर जीरोज़ की वैल्यू होती है मेल्स एंड पॉइंट थ्री सिक्स वैल्यू होती है फीमेल्स ठीक है अच्छा जी तो ये बात होगी ये हो गया हमारा हेमाटोक्रिट फिर आने कम्पोजिशन की बात है होती है कि आने कम्पोजिशन भी इन साइड द सेल्स एंड आउटसाइड द सेल्स डिफरेंट होती है डेफिनेटली और ब्लड में और जिसे कह सकते हैं कि आउटसाइड द ब्लड भी डिफरेंट होती है मतलब मैंने लगा कि प्लाज्मा में और सेल्स uh, में डिफरेंट होती है क्योंकि प्लाज्मा में बेसिकली प्रेजेंट होती हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स और तो प्लाज्मा प्रोटीन्स जहाँ पर होंगी सिंस वो वेगेटिव चार्ज होती हैं तो अपने साथ वो पॉजिटिवली चार्ज आइन्स को अट्रैक्ट करके रखती हैं ठीक है तो बेसिकली ब्लड प्लाज्मा के अंदर हमारे पॉजिटिव चार्ज आइंस की अमाउंट ज़्यादा होगी बचे कैल्शियम सोडियम और कौन कौन से हैं पोटेशियम वो मतलब साथ इकट्ठे रहेंगे ठीक है जबकि इन केस ऑफ इंटरसोलोर कंपार्टमेंट वहाँ पे नेगेटिव चार्ज जिसे कह सकते हैं कि वैसे नेगेटिव चार्ज में मोस्टली हमारे फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं कुछ ऑर्गेनिक मोलिक्यूल होते हैं वो आपके आई में अलग से हो जाएंगे सोन दिस वे ये डिफरेंट आयंस जो हैं ये आई में और ई में सेपरेट आउट हुए होते हैं ठीक है और जो एक आयनी कंसनट्रेशन होती है ना प्लाज्मा की इंटरसिशियल फ्लोट की वो ऑलमोस्ट सेम ही होती है क्योंकि दोनों ई का ही पार्ट हैं आफ्टर ऑल बस ये फ़र्क होता है कि प्लाज्मा में प्रोटीन ज़्यादा होते हैं जबकि आई मतलब मतलब इंटास्टेश् आई एफ में इंटाटेशल फ्लोड में प्रोटीन्स कम होते हैं वो इसलिए क्योंकि जो हमारी कैपिलरीज होती हैं वो बिल्कुल इम्परविबल होती हैं टू प्रोटीस और बाकी सब तो बाकी सारे जो सोल्यूट वगैरह वो तो लीक आउट कर जाते हैं हमारे प्लाज्मा से इंटू द आई लेकिन जो बाकी जो प्रोटीस रह जाती हैं ना वो बेचारे बड़ी होती हैं तो वो फ़िल्टर आउट नहीं हो सकती सो ये बात थी जो इस पेज में लिखी हुई थी अच्छा जी नेक्स्ट एक्सर सेलोड फल कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे जस्ट टोल्ड यू के वही बेसिकली इंपॉर्टेंट होंगे जो अच्छा उसकी एक स्पेसिफिक ना एक टेबल सा है ठीक है आप वो टेबल अगर याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है ठीक है लेकिन उसमें मुझे एक मेजर आते हैं उसमें सोडियम आता है क्लोराइड आता है बाई कार्बोनेट आता है ठीक uh, uh, है और मतलब ये मेजर मेजर है जो ई सी एफ में प्रेजेंट होते हैं इसके अलावा कैल्शियम भी होता है ठीक है और जो आपका आई सी एफ है उसमें मोस्टली हमारे फॉस्फेट होते हैं सल्फेट होते हैं मैग्नीशियम होते हैं और uh, वो होते हैं कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ठीक है अच्छा एक बात की जाती है कि आईसीएफ में कैल्शियम कैल्शियम uh, नहीं होता और ग्लूकोज़ नहीं होता क्योंकि ग्लूकोज इसलिए नहीं होता क्योंकि वो फॉरन से पहले ही यूटिलाइज हो जाता है बाय द सेल्स और कैल्शियम इसलिए नहीं होता क्योंकि उसका उसके हमें अमाउंट जीरो रखनी होती है ताकि कोई वो एक्टिविटी ना करा सके या जिनों के वो बहुत सारे हार्मोन्स के एक्शन को मेडिएट करवाते हैं इसके अलावा वो खुद कॉन्ट्रैक्शन करा सकते हैं जो डेफिनेट जो कन्ट्रेटेबल सेल्स हैं मसल सेल्स हैं उनकी तो कैल्शियम की अमाउंट जीरो होती है आई सी एफ में इसके अलावा ग्लूकोज की अमाउंट भी जीरो होती है मतलब ये मैं स्टेबल के बारे में बताऊँ जो स्टेबल में लिखा हुआ है इसको एक बार आप लोग खुद भी पढ़ लीजिएगा अच्छा इसके अलावा होता है इंडिकेटर डेल्यूशन मैथड अच्छा देखो हम डिफरेंट कंपार्टमेंटाजेशन की बातें कर रहे हैं हम डिफरेंट फ्लूड्स uh, की बातें कर रहे हैं कि डिफरेंट कंपार्टमेंट्स से फ्लूड प्रेजेंट है लेकिन कितना फ्लूड हम जो मयरमेंट से आपको बता रही हूँ मैं इलेवन लीटर है थ्री लीटर है फोर्टीन लीटर है ये मैंने कैसे मयर की इसका कोई मतलब कोई वे होना चाहिए कोई प्रॉपर इसका जिसे कह सकते हैं कि मयर करने की कोई स्ट्रैटी होनी चाहिए तो हम किस स्ट्रैटजी uh, को फॉलो करके हम किस मैकनिजम को फॉलो करके इनकी ये वैल्यूज हमने निकाली हुई होंगे तो उसका एक मेथड है जिस मेथड से हम लोग मयर कर सकते हैं फ्लूड्स इन डिफरेंट कंपार्टमेंट्स एंड दैट मेथड इज इंडिकेटर डायल्यूशन मेथड ठीक है अब इंडिकेटर डायल्यूशन मेथड क्या होता है मैं आपको सिंपल तरीके से समझा देती हूँ इसमें बहुत कम्प्लेक्स करके लिखा हुआ है अच्छा अच्छा हमें बेसिकली करना ये है ना कि हमने एक फ्लूड uh, लेना है ठीक है लेट्स सपोज कि आपका आई सी एफ है ठीक है कोई किसी भी टिश्यू में आपका फ्लूड आई सी एफ है उसमें हमने इंजेक्ट किया एक डाई लाइक लेट इट बी एनी डाई ठीक है हमने डाई इंजेक्ट कर दिया अच्छा वो जो डाई थी वो पहले भी डेफिनेटली किसी सोल्यूशन फॉर्म में होगी ना हम डायरेक्ट कोई सोलूट तो नहीं इंजेक्ट करेंगे इंजेक्ट किया मतलब कि वो पहले भी सोल्यूशन फॉर्म में ही थी इट मीनस कि उसको पहले से कोई वॉल्यूम था अच्छा अब उसकी जितनी डायल्यूशन होगी ना आफ्टर इंजेक्टिंग इट इंटू द स्पेसिफिक टिश्यू या स्पेसिफिक कंपार्टमेंट उत उतना जितनी उसकी डायल्यूशन हो गए जितनी वो डायल्यूट हो जाएगी जितनी उसकी कंसनट्रेशन कम हो जाएगी इट मीन्स कि उस कंपार्टमेंट का वॉल्यूम उतना था बात समझ लगी नहीं लगी मैं बताती हूँ बेसिकली इंडिकेटेड डेल्यूशन मैथड में हमें फॉलो करना होता है लॉ ऑफ मैथ एक्शन लॉ ऑफ मैथ एक्शन ये कहता है कि जितना आपका मैथ होता है ना वो कॉन्सेंट रहता है वो चेंज नहीं होता लेकिन इट कैन ऑनली कन्वर्टेड इन टू अदर फॉर्म इट कैन नॉट भी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड यू पुरानी बातें हैं ठीक है अच्छा तो मतलब कि मेरी बात सुनो मैथ ए वो मैथ है उस इंडिकेटर जो हमने इंजेक्ट किया और मैथ बी वो मैथ है जो हमने इंजेक्ट करने के बाद वापस से सैंपल निकाला क्योंकि हमने पता क्या कि है कि हमें बेसिकली एक कंपार्टमेंट किया उसमें हमने इंजेक्ट किया अपनी डायट फिर हमने उसको ना अच्छे से घोला उसमें हमने वेट किया कि वो अच्छी तरह से डिस्पर्स हो जाए हर तरह से हर तरफ ना उसकी इक्वल अमाउंट लीजिए उसके बाद हमने ना उससे थोड़ा सैंपल लिया उस कंपार्टमेंट से देखने के लिए कि वो कितनी मतलब डायूट हुई है या वो कितनी उसकी कंसट्रेशन कम हुई उसी के हिसाब से हम बेसिकली उस कंपार्टमेंट का कि उस कंपार्टमेंट की जो एक फ्लूड की कंसनट्रेशन है उसको डिटर्मिन करने वाले हैं ना उसकी बेस से अच्छा तो बेसिकली हमने मैथ्स ए है जो इंडिकेटर डाई का जो हमने इंजेक्ट किया है ठीक है और मैथ्स बी वो है जो हमने उसमें से वापस इंजेक्ट बैक किया ठीक है अच्छा जो मैथ्स ए है ना मतलब मैथ्स ए को अगर हम ये करना चाहें तो मैथ ए होता है इक्वल टू वॉल्यूम ए वॉल्यूम ए मतलब कि जितना जितने वॉल्यूम में हमने उस, उस इंडिकेटर को मिक्स करके इंजेक्ट किया था वो इंटू द कंसनट्रेशन है मतलब कि उसकी जो कंसनट्रेशन हमने मिक्स की थी ठीक है और मतलब बेसिकली कंसनट्रेशन ए इज़ द इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ डाए जो हमने इंजेक्ट की और वॉलीम ए वो वॉलीम है जिस जो वो वॉल्यूम मतलब जिस सॉल्यूशन में मिक्स करने के बाद जो वॉल्यूम बन गया था ना उसका वो वॉल्यूम है आप इसे ऐसे कंसीडर कर सकते हो कि अगर पानी है ना पानी में हमने डाई इंजेक्ट किया तो, तो डाई का हमने इनिशियल मैथ इंजेक्ट किया ना वो कंसनट्रेशन ये है और वो जो पानी था ना जिसमें हमने वो इंजेक्ट जिसमें मिक्स करके इंजेक्ट की थी वो पानी वॉल्यूम ए है ठीक है तो मैथ ए वॉल्यूम ए कंसन्ट्रेशन है ठीक है, है, है? ये है वो चीज़ें जो हमने पहले से तैयार कर रखी थी जो हमने इंजेक्ट किया उसके बाद जो हमने सैंपल वापस लिया है ना दैट इज़ द कंसनट्रेशन बी एंड वॉल्यूम बी डेफिनेटली जो वॉल्यूम बी होगा वो वही वॉल्यूम होगा जो जो बेसिल पहले उसमें उस प्रेजेंट था ठीक है और जो कन्सन्ट्रेशन बी है वो कंसन्ट्रेशन होगी जो बाद में हो गई मतलब मिक्स होने के बाद डेफिनेटली वो कम होगी हो क्योंकि उस कंपार्टमेंट का पानी उस पानी से ज्यादा ही था जिसमें हमने मिक्स करके डाई इंजेक्ट की थी ठीक है तो इन दिस वे मैथ इज इक्वल टू मैथ बी तो वॉलीम ए टाइम्स कंसनट्रेशन एज इक्वल टू वॉलीम बी टाइम्स कंसनट्रेशन बी तो इस तरह से आप वॉ्यूम बी को मतलब चीज़ों को यू नो जैसे मैथ्स में ऐसे वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे ना वैसे करके इसको आप वॉल्यूम बी इज इक्वल टू कंसनट्रेशन ए इ टू वॉय ए डिवाइड बाई कॉन्सनट्रेशन बी करके डिटर्मिन कर सकते हो तो इट इज़ मतलब थोड़ा मैथमेटिकल सा मुश्किल सा कॉन्सेप्ट है लेकिन स्टिल अगर इसको फॉर्मूला अगर याद करो ना इस फॉर्मूले से याद करोगे तो आप आपको आराम से उनसे याद हो जाए क्योंकि मैथ्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ए इन टू कंसन्ट्रेशन है एंड मैथ्स इज इक्वल टू वॉल्यूम बी इन टू द कंसट्रेस हमें वॉल्यूम बी चाहिए मतलब कि वॉल्यूम ऑफ दैट कंपार्टमेंट तो वो इस तरह से निकल आएगा ठीक है अच्छा अभी बात की कि डिफरेंट इंडिकेटर्स हम लोग डिफरेंट कंपार्टमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं हर कंपार्टमेंट में डेफिनेटली जो सोल्यूट्स अमाउंट है या डिफरेंट केमिकल्स के अमाउंट सेम नहीं है तो हम हर कंपार्टमेंट के लिए डिफरेंट इंडिकेटर्स यूज करेंगे और इंडिकेटर्स का ये रोल होना चाहिए कि इंडिकेटर्स को थॉरली मिक्स होना चाहिए और वो किसी और कंपार्टमेंट में ना जाए। जिसको जिसमें हमने उसको इंजेक्ट किया उसी में रहे दैट इज इंपॉर्टेंट ठीक है अच्छा जी तो इंडिकेटर्स एंड डिफरेंट डेफिनेटली जो हमारे ओवरऑल बॉडी टोटल बॉडी फ्लूड के लिए जो इंडिकेटर होता है वो मोस्टली ड्यूट्रीम टूट्रियम जो बेसिकली वाटर का एसिटॉप्स हैं इसके अलावा इसके अलावा एक और भी हमें बता रहे थे ये लोग हाँ एंटी भी है इंपॉर्टेंट है अच्छा इसके अलावा जो एक्सल ई है ई के लिए मेजर इंडिकेटर्स आपकी इनोलिन आ जाती है ठीक है इनोलिन के अलावा एक और भी इंपॉर्टेंट था Uh, और कौन सा है हाँ सोडियम का कोई आइसोटॉप है सारे सोडियम का आइसोटॉप और इनोलिन ई सी एफ के लिए इंपॉर्टेंट है और इंटरसोलियोड का तो आप सिंपली आप अगर टोटल बॉडी फ्लूड में से अगर ई सी एफ को माइनस कर दोगे तो आपके पास आई सी एफ का वॉल्यूम आ जाएगा तो आप उससे को तो निकाल सकते हो और जो प्लाज्मा वॉल्यूम में प्लाज्मा वाली ट्रीटामेंट का लिए आप एल्बोबीन को बेसिकली uh, आइसोटॉप से ट्रीट करके ना उसको इंजेक्ट कर सकते हो उससे आपको आप uh, प्लाज्मा का वॉल्यूम आ जाएगा ब्लड का वॉल्यूम निकालना है तो आप बेसिकली उसको एक फॉमूला से भी निकाल सकते हो इसके अलावा आप ब्लड में अगर क्रोमियम ट्रीटेड ब्लड सेल्स इंजेक्ट कर दो उससे भी निकाल सकते हो इसके अलावा अगर आप स्टेशियल फ्लूड निकालना चाहो तो डेफिनेटली अगर आप ब्लड वॉल्यूम में से प्लाज्मा वॉल्यूम को माइनस कर दोगे तो नहीं इसमें से नहीं बेसिकली अगर आप ई में से प्लाज्मा वॉल्यूम को माइनस कर दोगे तो आपके पास इंडस्ट्रेशियल फ्लूड का वॉल्यूम आ जाएगा तो आप इस तरह से ना फॉर्मूला को यूज करके डिफरेंट कंपार्टमेंट्स के फ्लू डिटर्मिन कर सकते हो हाँ जो मैं आप लोगों को फॉर्मूला बता रहे थे ना ब्लड वॉल्यूम को डिटर्मिन करने को ये था कि टोटल ब्लड वॉल्यूम इज इक्वल टू प्लाज्मा वॉल्यूम डिवाइड बाई वन माइनस हिमाटोक्रेट ठीक है तो डेफिनेटली अभी अगर आपका हिमाटोक्रिट मतलब वन माइनस है ना टोटल बॉडी वॉल्यूम डिटर्मन कर सकते हो बस एक फॉमूला था जो आप कर सकते हो वैसे ऐसे टोल्ड यू कि आप आ इसको क्रोमिन ट्रीट करके उसका एसाटॉप से भी ऐसे इसी मतलब जो मैंने आपको इंडिकेटर ऑल्यूशन मैथड बताया इसे भी कर सकते हो लेकिन ये टोटल बॉडी वॉल्यूम डिटर्मन करने के लिए प्लाज्मा वॉल्यूम डिवाइड बाई वन माइनस मेटोक्ट्स भी कर सकते हो टोटल आपका प्लाज्मा वॉल्यूम थ्री लीटर होता है और एज ए टोल्ड डू इन मेल्स इट इज नॉमल व्यू इसकी पॉइंट फोर जीरो होती है तो आप इस तरह से डिटर्मिन कर सकते हो टोटल बॉडी ब्लड वॉल्यूम जो कि नॉर्मली पाँच लीटर होता है विट नो अच्छा जी तो आगे कॉन्सेप्ट ऑसमोलिटी का और ऑसमोलेिटी का दोनों में फ़र्क क्या होता है नहीं पता होता लोगों को नॉर्मली क्योंकि मतलब आसान सी चीज़ें अच्छा ऑस्मोलेिटी हो या ऑसमोलेिटी दोनों में ही आ, एक सोल्यूट्स की अमाउंट इन्वॉल्व होती है सोल्यूट्स क्या होते हैं कोई भी आइन्स लाइक सोडियम पोटेशियम ये सब सोल्यूट्स तो हैं ठीक है इस अलावा कुछ प्रोटीन्स भी सोल्यूट ऐड करती हैं तो कोई भी सोल्यूट अगर हम उस सोल्यूट uh, के अमाउंट देख रहे हो ना विद इन वन के ऑफ वाटर तो हम उसे कंसिडर करेंगे दिस इज़ द ऑस्मोलैलिटी ऑफ दैट फ्लूड ठीक है मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं दो ऑसमोल दो मोल्स ऑफ सोडियम लूँ और उसको मैं एक किलो वाटर में डिजोल्व कर दूँ तो मैं ये बोलूँगी कि इस सोल्यूशन ऑफ वाटर की या इस इस वाटर की जो ऑस्मोलैलिटी है ना दैट इज़ टू ऑसमोल्स ऑफ सोडियम ठीक है और अगर मैं उसी उस उसी दो सोडियम uh, के पार्टिकल्स को पानी में मिक्स करूँ लेकिन अब मैं उसको पर के जी वाटर नहीं लूँगी अब मैं सो लूँगी पर लीटर ऑफ सोल्यून ठीक है तो अगर मैं सो पर लीटर ऑफ़ सोल्यूशन लूंगी दैट विल भी ऑस्मोलैरिटी और अगर मैं सो पर के जी ऑफ वाटर लूंगी दैट विल भी ऑस्मोलैरिटी तो इस तरह से आप डिफरेंट डिनोमिनेटर में अगर आप वन के जी ऑफ वाटर रखोगे दैट विल बी ऑस्मोलैरिटी और आप डिनोमिनेटर में वन लीटर ऑफ सोल्यूशन रखोगे क्योंकि सोल्यून में अगेन आपका सोडियम डिजो फॉर्म में भी उसमें इंक्लूड हो रहा होगा ना जबकि वन के जी में बेसिक टोटली डोल्यूशन है हम जस्ट सोडियम को अलग कर रहे हैं और के जी ऑफ वाटर को अलग कर रहे हैं तो दिस वे आपके ऑस्मोलैरिटी ऑस्मोलैरिटी से डिफर करती है इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू आर पुटिंग ऑन द डिनोमिनेटर ठीक है अच्छा अगर कैलकुलेशन करना चाहो ऑस्मोलैरिटी की और ऑस्मोटिक प्रेशर की बाय वेंट हॉफ लॉ तो वो कैसे करोगे आप बारी आगे कैलकुलेशन या अगेन इस चैप्टर में ना कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हैं यार तो इसमें थोड़ा सा ना बंदा बोर हो जाता है इसको पढ़ते हुए अच्छा जी तो मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी पे कैलकुलेशन कर, करा देती हूँ कैलकुलेशन बस इसी पेज पर एक्सटेंड हुए हुई है ठीक है करते हैं चलो भाई अच्छा पहले बात करते हैं कि नॉर्मल हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता कितना है पता होना चाहिए ना ऑस्मोटिक प्रेशर अच्छा हम जो एक नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी लेते हैं आप नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी देख लेते हैं अच्छा ऑस्मोलैरिटी आपसे अगर जनरली पूछना कि हमारे बॉडी फलूड्स की ऑस्मोलैरिटी कितनी है तो आई का पूछें आई का पूछें या आपसे पूछें आई का इंटरसेशल फलूड का हर एक आपने बोल दिया थ्री हंड्रेड जस्ट इसको रटा मान लो Uh, 300 ml नहीं, I'm sorry, it will be 300 milli osmol per liter this is a normal इज़ of body fluids ठीक है कितनी है 300 हंड्रेड मिलियो स्मॉल पर ठीक है लेकिन ये है corrections के बगैर अगर हम क्रक्शन करें ना प्रॉपरली मतलब सही से करेक्शन के साथ determine करें तो इसकी correction इसके ना मतलब बेसिक इसपे uh, coefficient factor लगता है एक मतलब जैसे हम बोल सकते हैं कि osmolarity coefficient बोलते हैं उसको जो हम आगे देखेंगे और osmolarity coefficient लगाने के बाद इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है क्योंकि जो उस

फाइव नाइन फोर फोर लेकिन यूजली ये एक्सटेंड नहीं करता फिफ्टी फोर हंड्रेड अमल से क्योंकि नॉर्मली नॉर्मली हमारा जो होता है ना वो 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 भी कितनी होती है टू एटी या टू एटी सिक्स मिले स्मॉल पर लीटर तो जो थ्री हंड्रेड मिले स्मॉल पर लीटर है वो तो करेगी तकरीबन फाइव नाइन फोर फोर मिलीमीटर्स उम्र करी लेकिन जो टू एटी सिक्स मिले स्मॉल पर लीटर का ऑसमिलिटी है वो आसमोटिव प्रशिक्स करेगी तरीबन फिफ्टी फोर हंड्रेड मिलीमीटर्स उमर करी तो ये है लेकिन आपने ये डिटर्मन कैसे किया वो आपने कुछ ऐसे डिटर्मन किया मैं बताती हूँ आपको अच्छा एज अ यू कि हमारा जो एक नॉर्मल एक सोल्यूट होता है जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट कर रहा होता है वो क्या होता है एन होता है ना एन ही होता है ना और एन का मोलिकुलर वेट कितना होता है इट इज़ फिफ्टी एट पॉइंट फाइव ग्राम पर मोल अच्छा ये तो वैल्यू है इसकी ग्राम पर मोल में अगर हम इसे कन्वर्ट करें इंटू तो मोल पर लीटर तो इसकी वैल्यू हो जाए तकरीबन पॉइंट वन फाइव फोर ये कैसा ही मुझे भी नहीं पता लेकिन कैलकुलेशन से आई है हम यूनिट्स को कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम ग्राम पर मोल इंटू मोल पर लीटर ठीक है पहले कितना था फिफ्टी एट पॉइंट फाइव बाद में कितना हो गया पॉइंट वन फाइव फोर लेकिन हम साथ में ये भी बात कर रहे हैं कि जो एन होता है ये बाद में डिसोसिएट

मिली उसमाल पर लीटर आती है और क्रैशन के बाद तकरीबन ये थ्री हंड्रेड भी बोलते हैं इसको टू ऑर्टी सिक्स मिलियन ऑस्मॉल पर लीटर भी बोलते हैं तो इस तरह से होती है तो ये जो कोफिशन फैक्टर uh, है हम क्यों लगाते हैं हम इसलिए लगाते हैं मैं बताती हूँ आपको हम कोफिशन फैक्टर इसलिए लगा हुआ ऑस्मोलारिटी कोपिशन इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो हमारे आयनस होते हैं एन एस सी एल इनमें एंट्राइनिक अट्रैक्शन होती है ये इतनी जल्दी डिसोसिएट करते नहीं है तो ये अलग होते नहीं है तो क्योंकि ये अलग नहीं होते थे इसलिए तो इतना अच्छे से अपना उस मेलारिटी को एग्जिबिट नहीं करते हैं तो उस वजह से हम इसमें थोड़ा सा ना कोफिशेंट लगाते हैं उस मेलैरिटी लगाते हैं इसके बाद इसकी वैल्यू तकरीबन टू एटी सिक्स मिलियन उसम पर लीटर हो जाती है अच्छा अब इसी उस मेलैरिटी को अगर मल्टीप्लाई करो ना विद नाइनटीन पॉइंट थ्री नाइन्टीन पॉइंट थ्री से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे नॉर्मल एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है ना किसी भी रीजन का वो नॉर्मली नाइटीन पॉइंट थ्री होता है ठीक है इसी में इसी से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ना अपने 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 को तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ओम मोटिक प्रेशर की दिस इज बाई वैट हॉफ लॉ ठीक है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने इस ट्वेंटी सिक्स को विद ट्वेंटी सिक्स को खैर नहीं फिलहाल हम थ्री थ्री जीरो एट ही कंसडर करें क्योंकि हमने जो कैलकुलेटर निकाला है वो अपना थ्री जीरो एट ही है तो थ्री जीरो एट इंटू नाइनटीन पॉइंट थ्री बन के तकरीबन फाइव नाइन नाइन फोर मीटर तो, तो मर के जो आप यहाँ पर इस पेज पर देख रहे हो या एंड पे आपको नजर आ रहा होगा फाइव नाइन फोर फोर फाइव नाइन फोर फोर मिलीमीटर मरकरी खैर लेकिन नॉर्मली टू एटी सिक्स का ऐसी वैल्यू तक फिफ्टी फोर हंड्रेड्रेड्रेड्रेड मिली मीटर से मरकरी आती है हम देख चुके हैं अच्छा उस मेलारिटीज ऑफ बॉडी फ्लूज ए ट नॉर्मली थ्री हंड्रेड मिलियोलॉल पर लेटर आप नॉन एवरेज बतानी है उतनी होती है ठीक है अच्छा अभी बात करते हैं आइटोनिक हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक फूलूड्स की वो ये बात होती है कि यार देखो ऐसा फ्लूड जिसमें अगर आपका सेल पढ़ा रहा उस पर ना सेल की स्वेलिंग और ना सेल की श्रिंक जो ऐसा फ्लूड हम क्या कहेंगे वो है क्योंकि ना तो उसमें से वाटर लीक करके हमारे सेल्स में रहा है ना हमारे सेल्स से वाटर लीक करके उस फ्लूड में जा रहा है तो मतलब कि वो क्या आइसेट होने क्योंकि उसमें जितने पार्टिकल्स हैं जिसमें ऑसमोटिकली एक्टिव पार्टिकल्स हैं उनके अमाउंट सेम एज़ दैट ऑफ अर सेल्स है ना तभी उन्हें कोई भी वाटर की मूवमेंट नहीं हो रही है अच्छा जी ये बात होगी हाँ एक और चीज़ है कि एक होती है टोनिसिटी और एक होती है ऑस्मोलैरिटी कभी हम बात करते हैं हाइपर ओसमोटी की कभी हम बात करते हैं हाइपर टोनिक की दोनों में फर्क क्या है दोनों में फ़र्क ये होता है कि जब हम टोनिसिटी की बात करते हैं हाइपोटोनिक हाँ, 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 की या होने की या फिर आइसोटोनिक होने की बात करते हैं वहां पर हम बात कर करते हैं इम्परमिनंट सोल्यूड पार्टिकल्स मतलब कि जोल्यूड पार्टिकल्स होंगे ना वो बेसिकली इम्पर्मिनंट होंगे वो सेल्स को क्रॉस नहीं कर पा रहे सिर्फ वाटर क्रॉस कर सकते हैं ये हमारा जनरल रूल है मतलब ये रूल तुम समझ लो सिंपल है कि वाटर हमेशा परि होता है बाय द सेल्स वो इजिली मूव कर सकते हैं जो जब भी आप कोई आ, कोई सोल्यूट किसी भी ई में या कहीं भी इंजेक्ट करोगे तो पानी तो आराम से से मूव कर जाएगा अक्रॉस द सेल्स लेकिन जो पार्टिकल्स होंगे सोल्यूट पार्टिकल्स उनको बड़ा मसला होता है मूव करने में तो इमपर्मिनट होता है तो जब भी आप टोनिसिटी का जिक्र करोगे आप हमेशा इमपर्मिनट सोल्यूट पार्टिकल्स का जिक्र करोगे ठीक है जबकि जब हम जब भी ऑस्मोलैरिटी की बात करते हैं ना कि हम बात करें हाइपर ओस्मोलर वो सोल्यूट हाइपर ऑस्मोलर है या फिर हाइपो ऑस्मोटिक है या हाइपर ऑस्मोटिक है या आइसो ऑस्मोटिक है वहाँ पर बेसिकली हम ये बात कर रहे होते हैं कि जो सोलिड है पार्टिकल्स हैं ना वो परमिएबल हैं मतलब वो गुजर भी सकते हैं ठीक है तो वो गुजरेंगे भी सोलिड पार्टिकल्स वो सल के अंदर भी जाएंगे वो बाहर भी आएंगे वो एक इक्विलिब्रियम को भी इस्टेब्लिश करेंगे लेकिन वो परमिएबल होंगे तो जहाँ पे सोलिड पार्टिकल्स परमेबल हैं वहाँ पे हम बात करते हैं ऑस्मोलैरिटी की या हाइपो ऑस्मोटिक होने की हाइपर ऑस्मोटिक होने और जहाँ पर हम लोग इम्परमीएबल सोल्यूट पार्टिकल्स की बात करते हैं वहाँ बार हम बात करते हैं आइसोटोनिक की हाइपोटोनिक की हाइपोटोनिक तो ये दोनों चीज़ें इस तरह से मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से अच्छा जी तो मतलब इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अगर आप पॉइंट नाइन परसेंट एन एस सी एल सोल्यूशन में रखोगे सेल्स को तो कुछ भी नहीं होगा उनको क्यों क्योंकि पर uh, नाइन परसेंट मतलब के okay, वो नाइन ग्राम पर हंड्रेड एम एल ये बात है न, ना होगी ना नाइन ग्राम पर हंड्रेड एम एल में वो डिजोल्व वो वो हुआ हुआ है एन ए सी एल तो इट इज़ द सेम एज दैट ऑफ द सेल्स तो सेल्स ना पानी बाहर आएगा ना अंदर आएगा इस अलावा इसके इसकी वजह अगर आप लोग थ्री परसेंट एन एस एल में रख देते हो सेल्स को तो ज़्यादा हो गया तो सेल्स के अंदर आएगा पा वो नहीं सेल से बाहर जाएगा पानी क्योंकि बाहर ज़्यादा हो गया सोल्यूट ठीक है तो सोल्यूट को एक्ल्यूब्रेट करने के लिए पानी सेल से बाहर जाएगा और सेल क्या हो जाएगा श्रिंक हो जाएगा इस कंपेरिजन में अगर आप पॉइंट फाइव परसेंट एन एस में डालते हो इट इज लेस दैन पॉइंट नाइन परसेंट उस केस में क्या होगा कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन है तो जो पानी होगा उस सेल्स के अंदर आएगा सेल्स सेल कर जाएंगे सिंपल सी बात है ये भी होगी बात अच्छा जी तो मैंने आप लोगों को हाइसोस्मोटिक हाइपर ऑस्मोटिक कॉन्सेप्ट बता दें कि ये सीन बिल्कुल सेम है सेम वही और हाइपरटोनिक वाला ही है कि अगर आपका सोल्यूट ज़्यादा है इसी में तो पानी जो है वो बाहर आएगा अगर सोल्यूट कम है एज़ कंपेयर टू सेल्स तो पानी अंदर जाएगा सेल्स के टू मेन्टेन द इ्लीब्रियम और अगर हम बात करें कि फ्जाम्पल आपने एक गिलास पानी पिया आपके जी आई टी में एक गिलास पानी का इंटेक हुआ तो पानी uh, को कितना टाइम लगता है कि वो एक्लिब्रियम में आ जाए विद ऑल द बॉडी कंपार्टमेंट्स तो उसको तकरीबन तीस मिनट लगते हैं आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर और ईटिंग एनी थिंग वो पूरी बॉडी के साथ इक्ब्रेट कर जाए लेकिन अगर हम इंडिविजुल बात करें ना सेल टू सेल लेवल पर तो और वहाँ पर ना इतना टाइम नहीं लगता वहाँ पर जस्ट एक सेकेंड लगेगा या कुछ मिनट लगेंगे इक्लेबरियन इस्टेब्लिश होने में लेकिन ये है कि अगर आप ओवरऑल बॉडी का एकबरियन देखो तो उसको तकरीबन तो तो तीस मिनट लग जाते हैं ठीक है अच्छा जी अब बात कर लेते हैं अब नॉर्मल कंडीशंस की डेफिनेटली कई कंडीशंस ऐसे होंगे जिसमें हमारे जो स्टेट्स होंगी वो नॉर्मल नहीं रहेंगी फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ज़्यादा पानी पी लें इतना ज़्यादा कि वो हमारी बॉडी उसी टाइम से एक्सक्रीट ना कर पाए लगे आपको किडनी फेलियर है कोई भी डिजीज़ है उस केस में हमारा जो बैलेंस होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा ठीक है और इसके अलावा Uh, बस यही है कि वजह जैसे टोल्ड बिफोर के जो सेल मेम्रेन होती हैं वो पानी को तो आराम से अलाउ कर देती हैं ट्रांसमिट होने के लेकिन सोलूट को रोक लेती हैं उससे काफ़ी मसले बनते हैं और फिर उन्हें इफैक्ट बताया कि अगर आप सलैंड सल्यूशन डालोगे ई में तो उसका क्या फिर जाएगा उसमें वही बात है पुरानी बातों की यू नो गाइडन को आ है बार बार चीज़ों को रिवाइज करने की तो इसमें अगेन वही टाइम एंड अगेन वही चीज़ें देखोगे अगर आप आइसोटोनिक में रखोगे तो कुछ नहीं होगा हाइपोटो में रखोगे तो सेल फट जाएगा हाइपोटो में रखोगे तो वो श्रिंक कर जाएगा तो ये पुरानी चीज़ आप पढ़ो दोबारा वही सब कुछ है इसमें अच्छा यहाँ पे एक नई सी चीज़ ऐड हुई हुई uh, है एक फ्लूड शिफ्ट्स एंड डेफिनेटली आफ्टर इन्फ्यूजन ऑफ हाइपरटोनिक सलान सोलूशन ये थोड़े से कलकुलेशन यार इस चैप्टर में ना कैलकुलेशन बहुत ज्यादा तो आपको ना टाइम लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ेंगी वो कह रहे अगर हम लोग हाइपरटोनिक सोलूशन इंजेक्ट करते हैं इन्फ्यूज़ करते हैं टू द ई सी एफ तो उसका हमारे फ्लूड शिफ्ट पर या जो अब पानी ने अंदर बाहर होना है डेफिनेटली बाहर ही आएगा ना सेल से क्योंकि हाइपरटोनिक सोलूशन है तो वो कैसे होगा उसमें क्या का इन्फुलुंस आएगा लाइक आपका ई सी एफ का पानी ज़्यादा हो जाएगा या वहाँ पर ज़्यादा पानी अकोमोडेट हो जाएगा क्या आपका आई सी एफ पे क्या इन्फ्लुएंस आएगा क्या वहाँ से पानी की डिप्रेशन हो जाएगी तो हम देखते हैं कि क्या कुछ होगा मैं एक टेबल से कर लेते हैं वहाँ पर आसानी है हुआ हुआ, हुआ हुआ है अच्छा अब पहले हम इस नॉर्मल टेबल को देखते हैं नॉर्मली एज अ टोल्ड यू के ए एस, सी में हमारे पास 14 लीटर ऑफ वाटर है ठीक है आई में 28 एट लीटर्स ऑफ वाटर टोटी बॉडी फ्लूड कितना है 42 लीटर ठीक है अच्छा और कॉन्सनट्रेशन एज अ टोल्ड यू हर जगह पर 280 है ठीक है कैलकुलेशन का टू एटी मिलियो स्मॉल पर लीटर आ गई थी अच्छा और टोटल अगर हम मल्टीप्लाई करें मतलब फोर्टी को टू एटी से मल्टीप्लाई करके तकरीबन थ्री नाइन टू ज़ीरो मिलो उस आ जाता है ठीक है तो ये मतलब बेसिकली ना टोटल है टोटल हमने किया वो कि टोटल ई सी एफ में थ्री नाइन टू जीरो हो गया आई सी एफ में सेवन एट फोर जीरो हो गया और ओवरऑल टोटल बॉडी का जो मिलियो स्मॉल पर लीटर में एक जब कंसनट्रेशन देख सकते हो चीज़ों की दैट इज इलेवन सेवन सिक्सटी मिलियो स्मॉल अच्छा ये होगी बात मतलब उसकी ऑस्मलारिटी है बेसिकली यहाँ पर इतनी इतनी मॉसमैलैरिटी उस होगी उसकी मॉसमिलरिटी तो खैर नहीं कह सकते लेकिन चलो उस समय लीटर से डिवाइड कर लिया हुआ यहाँ पे अच्छा लेकिन अगर हमने फॉर एग्जांपल दो लीटर ऑफ एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हमने इंजेक्ट कर दिया कितने लीटर दो लीटर हमने इंजेक्ट किया टू द ई तो उसका हमारे ई पे क्या फ़र्क पड़ेगा एज यू नो कि सी का वॉल्यूम पहले तो ज़्यादा होगा क्योंकि हमने इंजेक्ट किया ना कुछ चीज़ उसमें अब हमें नहीं पता कि वो हाइपरटोनिक है या हाइपोटोनिक इंजेक्ट कर दी फोर्टीन लीटर से कितना हो गया सिक्सटी लीटर हो गया ठीक है आई सी का वॉल्यूम फिलहाल सेम रहा क्यों क्योंकि आईसीएफ़ में मैं एज ए टोल्ड यू कि कोई भी जो होता ना ये फ्लू कोई आइन ये एकदम से अंदर आक्रोश सेलमेंट मूव नहीं कर सकते हैं इतना सोलाव नहीं होता कि हाँ भाई आ जाओ आ जाओ अंदर आ जाओ ऐसा नहीं होता तो हम हमने जो वो वो थ्री परसेंट सोडियम क्लोराइड इंजेक्ट किया था ना उस वो भी इंटर सेलर फ्लूड में एंटर नहीं हुआ वहाँ का सब कुछ सेम है ठीक है लेकिन जो टोटल बॉडी फ्लूड है वो ज़्यादा हो जाएगा डेफिनेटली पहले कितना था सिक्सटीन थानाई सी आप सॉरी पहले फोटी थानाई सी आप फोटी लीटर्स अब कितना हो होगा सिक्सटीन लीटर्स ओवरऑल हमारे बॉडी का फ्लूड कितना हो गया फोर्टी फोर लीटर्स अब बाहर कोई इक्लेब्रियम नहीं है क्यों क्योंकि जो ई सी एफ है वहाँ की भी रॉस्मेरिटी भी ज़्यादा होगी डेफिनेटली ज़्यादा होगी अच्छा यहाँ पर ना इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात की हुई है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी नॉर्मल रॉस्मेलारिटी है ना टू एटी लीटर्स ठीक है तो अगर उसमें एक मिलियमो भी एडिशन होती है ना ऑस्मोलैरिटी की फॉर एग्जांपल 281 एट्टी वन मिलो उसमाल पर लीटर होती है ठीक है तो उसका ना उसमोटिव प्रेशर पे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है फॉर एग्जांपल अगर एक मिलियोमोल ज़्यादा हुआ है ना आपका ऑस्मोलैरिटी तो आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा ना वो नाइनटीन पॉइंट थ्री मिली मीटर से मरकरी ज़्यादा हो जाएगा मतलब इतना ज़्यादा हो जाता है इतना हायर इतना हाई इन्फ्लुएंस है उसका ना उस पर तो वज उसी कि आपने अपने मिलियोसमाल को कितना ज़्यादा कर लिया थ्री सेवेंटी थ्री मिलियोसमाल कर लिया पहले कितना था टू एटी ठीक है टू एटी से कितना हो गया इट हैज़ बिन इंक्रीज टू 373 सेवेंटी थ्री मिली स्मॉल पर लीटर और उसकी वजह से हमारी टोटल ऑस्मलारिटी थी जो हमने पर लीटर को ख़त्म करके निकाली हुई थी बिकॉज प्रीवियसली थ्री नाइन टू जीरो अब फाइव नाइन सेवन वन तक इंक्रीज़ होगी है ठीक है तो एज यू कैन सी किस तरह से आपके हाई ऑस्मोटिक प्रेशर वाली चीज़ें आपकी बॉडी को इन्फ्लुएंस करी लेकिन एज यू सी के इंट्रा सेलर में कोई इन्फ्लुंस नहीं आया ज़्यादा इन्फ्लुएंस कहाँ पर आए एक्स्ट्रा सेलर फ्लूड में अच्छा जी टोटल बॉडी का वॉल्यूम डेफिनेटली ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि एडिशन हो गया पानी की हमारी बॉडी में ठीक है अच्छा जी तो बस यही होगी बात मैंने वही बात ही हुई है पुरानी बातें तो बस ये कहानी डाली हुई इसमें ज़्यादातर और तो कुछ भी नहीं है इंस्टेंटेनियस इफेक्ट जो आएगा यही आएगा कि टू लीटर वॉल्यूम इंक्रीज हो गया और आई आई एफ आई में कोई चेंज नहीं आया वॉल्यूम दरब्रा करेंट ऑस्मोटिक प्रेशर डिवेलप ठीक है भाई फोर्टी फोर लीटर हो गया टोटल पानी के लिए टू लीटर सा तो डेफिनेटली तो एडिशन ही हुई है चीज़ों की तो ये थी आपकी कैलकुलेशन जो आपने करनी थी यहाँ पर तो आप पहले ही का और बाद वाला आपस में देख सकते हो ठीक है क्या क्या इन्फ्लुएंस आया है ऐसे भी फर्क नहीं आया ज़्यादा ईसीएफ या फिर फर्क फ़र्क आया होगा अपने एज वी हैव डिस्कस प्रीवियसली कि वाटर तो इजीली परमिट कर जाता है सल में लेकिन सल्यूट्स नहीं करते अच्छा जगह बात करें इन्फ्यूजन की तो अगर हमने किसी बंदे को इन्फ्यूजन देने उस बंदे में पानी के अमाउंट कम हुई है डिहाइड्रेशन पड़ी है तो हम उसको इन्फ्यूजन का डायरेक्टली वाटर की फॉर्म में देंगे वाटर की फॉर्म में देंगे ना अगर तो उसमें एडीमा डेवलप होने के चांसेस हैं क्यों क्योंकि वो पानी सीधा सेल्स के अंदर चला जाएगा और हमें ये नहीं करना हमें तो इसीफ में पानी को रखना है ताकि डिहाइड्रेशन क्योर हो सके तो उसके साथ हम ये कहते हैं कि हम बेसिकली ना सोल्यूशन की फॉर्म में उसको इन्फ्यूजन देते हैं फॉर एक्ज़ाम्पल पॉइंट नाइन परसेंट दे दिया या फाइव परसेंट ग्लूको सोलूशन दे दिया उसका फायदा ये होता है कि ये ना आइसोस मोटिव चीज़ें हैं ये आपके बॉडी के मैकनिजम्स को डिस्टर्ब नहीं करेंगी ठीक है लेकिन साथ ही साथ वो पानी को भी ई में रखेंगी फॉर सम टाइम ताकि आपकी डिहाइड्रेशन क्योर हो सके तो ये बस कुछ इन्फ्यूजन की बातें की हुई हैं अच्छा भी बात की है कुछ अब नॉर्मल कंडीशन जिसमें हाइपर नेटरीम और हाइपो नेटरी आ जाता है हाईपर नेटी मतलब ई में सोडियम आयन ज्यादा है जो कि नॉर्मली ज़्यादा ही होते हैं एज कम्पेये टू आई लेकिन नॉर्मल से भी ज़्यादा ही ज्यादा है ठीक है फॉर एक्ज़ाम्पल अगर वन फोटी टू मिलीक्रोन पर लीटर नॉर्मल है तो वो 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 वन सिक्सटी फाइव पर हो जाएंगे ठीक है और हाइपोनाइट्रीम क्या होता है कि सोडियम माइंस बहुत ही कम हो गया है इसी एफ में फॉर एग्जाम्पल तकरीबन वन ट्वेंटी तक गए या वन टन में इक्वल पर लीटर तक तो चले गए हैं तो उस केस में हम उसे हाइपोनाइट्रीम कंडीशन स्टडी करते हैं अच्छा जी हाँ uh, पहले बात करते हैं हाइपोनट्रीमा है की ठीक है और हाइपोन हाइपोनट्रीमे क्यों कब कब हो सकता है एज यू नो देर वेरियस कंडीशन अच्छा दो कंडीशन सी हैं एक है हाइपोनट्रीमा विद डिहाइड्रेशन और एक हाईपो है हाईपोनट्रीमा विद ओवर हाइड्रेशन अच्छा डिहाइड्रेशन में ये होता है कि बॉडी से ना नॉर्मली जनरली फ्लूड्स लॉस हो रहे हैं फॉर एग्जाम्पल डायरिया लगा हुआ है बंदे को या फिर वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो होगी इलेक्ट्रोलाइट्स आपकी बॉडी से डिप्लीट हो गया उसके इसमें आपका पानी भी कम हुआ है उसके इसमें आपके इलेक्ट्रोलाइट्स भी कम हुए उसे हम कहते हैं हाइपोनट्रीमा विद डिहाइड्रेशन राइट तो उसके इसमें में फिर यह होता है बेसिकली कि आपकी बॉडी से ना मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स भी कम हो रहे थे लॉन्ग विद वाटर और दूसरी केस ये हो सकता है कि आपने बहुत ज्यादा पानी पी लिया है ठीक है और उस हिसाब से अपने अपना इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन नहीं रखा तो ओवर हाइड्रेशन हो गया आपकी बॉडी के जो फ्लूड्स हैं वो डाइल्यूट हो गए जो आपके सोल्यूड्स हैं वो डायल्यूट हो गए तो आपका सोडियम कम हो गया तो वो भी एक केस है ऑफ हाइपोनर्टी विद ओवर हाइड्रेशन ठीक है अच्छा जब अब हम दोनों की ना आ, अच्छा फिर उन्होंने बात की हुई है कि अगर आप बहुत सारे डाय डायोटिक्स लेते हो डायटिक्स वो होती हैं जो आपकी बेसिकली आपकी यूरिन वॉल्यूम को इंक्रीज़ करती हैं अच्छा वो, यूरिन वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया पानी निकलता जा रहा है साथ में आप सुलिड्स भी निकलते जा रहे हैं ठीक है तो उसके इसमें भी क्या हो सकता है आपका यही हो सकता है कि आपके हाइपोनट्री में आ जाएगा सेकंड ये है गेस है कि अगर आप में बहुत ज़्यादा मिनरलो कोर्टिकॉयड्स हैं ठीक है अच्छा मिनरलो कोटिकॉय्स में अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा हैं तो वो भी एड दी अगेन वही करेंगे जो विच जस्ट विच वि जस्ट डिस्कस्ड अच्छा जी फिर बात होती है एडिसंस डिजीज के एडिसंस डिजीज में बेसिकली होता है कि हमारे जो एलो स्ट्र, एलोस्टेरॉन की सिक्रीशन होती है वो एम्पीड होती है मतलब एलोस्टर ने बेसिकली क्या कराना होता है उसने हमारी बॉडी में कंजर्व कराना होता है ना सोडियम ऑइंस को क्लोरालाइंस को तो एल्डोस्टिंग सिक्रीट ही नहीं हो रहा तो हमारी बॉडी में वाइन्स कैसे रहेंगे नहीं रह सकते ना तो उस केस में भी हाइपोनट्री हो जाएगा इनकेस ऑफ एडिसंस डिजीज अच्छा जी तो हमने ये सारी बातें देख ली अच्छा आ, ये तो हो गया हाइपोनाट्रीमिया है ना ओवर हाइड्रेशन हमने देख लिया कि अगर आप एक्सेसिव स्क्रेशन uh, हो जाए एंटी एंटीडायोटिक हारमोन या पानी को uh, बॉडी में रिटेन कर रहे हो तो क्या होगा बहुत ज्यादा पानी आ जाएगा और जो आपके ऑलरेडी सोल्यूट पार्टिकल्स पड़े हुए हैं उनकी डॉलूशन हो जाएगी डॉल्यूशन हो जाएगी तो क्या हो सकता है उस केस में उनकी अमाउंट कम हो जाएगी और डेफिनेटली उसकी फिर हमारी बॉडी में बहुत सारे इफेक्ट्स आएंगे क्योंकि सोल्यूट्स को नॉर्मल कंसटेशन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है यही सोल्यूट यही ऑइन हमारी बॉडी में एम्पल कंडक्शन में भी रोल प्ले कर रहे हैं इसके अलावा जो डिपोरेशन हो रही है सब कुछ इन्हीं के जरिए हो रहा है ना तो इनको मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा कंसिक्वेंस क्या होंगे हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगी सेल्स स्वेलिंग क्यों हो रही है पर स्वेलिंग क्यों हो जाएगी यार देखो डेफिनेटली जब आपके बॉडी में आपके सोल्यूट्स का अमाउंट कम है इट मीनस कि वहाँ पर पानी ज़्यादा हो जाएगा ना डेफिनेटली वहाँ पर क्या हो जाएगा डल्यूशन हो जाएगी जब पानी ज़्यादा हो जाएगा बाहर तो अंदर सेल्स के पानी कम है क्योंकि वहाँ पर सोल्यूट्स आते हैं तो एज वी नो कि हायर कंसट्रेशन से पानी मूव करेगा टुवर्ड्स द लोअर कंसनट्रेशन मतलब लोअर कंस्ट्रेशन सोल्यूट्स में मतलब है तो क्या होगा हमारे सेल्स स्वेल कर जाएंगे ना क्योंकि हमने इसी में से सो निकाल दिया मतलब इसी में में वॉटर अमाउंट ज्यादा हो गया वॉटर अमाउंट ज्यादा हो जाएगी मतलब कि सेल्स के अंदर अमाउंट कम है सोल्यूट्स की सॉरी सोल्यूड्स का अमाउंट ज़्यादा है तो वहाँ पर वाटर की अमाउंट कम है तो वाटर वहाँ पर मूव कर जाएगा और इसके में हमारा अडीमा डेवलप हो जाए जिससे हम कहते हैं सेलर अडीमा और इसके सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट्स प्रोनाउसड होंगे वो होंगे इनटू द ब्रेन टिश्यू क्योंकि वहाँ पर मतलब होंगे तो हर हर लेवल पर यह डीमा हर लेवल पर डिवेलप होगा लेकिन उसके इफेक्ट्स ज़्यादा प्रोस्ड होंगे ना वो होंगे इन द ब्रेन ठीक है तो ब्रेन में बेसमा होगा तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होंगे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हमारा मुलाता है कि हेड एक होगा नोजिया होगा वॉमिटिंग टाइप फीलिंग्स होंगी बना डिस्टोडियंट हो चुका होगा और अगर बहुत ही मतलब एक्सेसिवली कम हो गया लाइक वन फिफ्टीन टू वन ट्वेंटी मिलीक्विन पर लेटर हो गया हमारे सोडियम के अमाउंट तो उस केस में सीजर्स हो सकते हैं मतलब कोमा में जा सकते हैं इवन डेथ भी हो सकती है तो दिस आर सम दिस सम ऑफ द एक्यूट कंडीशंस जिसमें हमारी बॉडी में एकदम से सोडियम का अमाउंट कम हो गया स्पेशली ब्रेन टिश्यू में और अगर हम ओवर द पीरियड ऑफ सम टाइम इसके अमाउंट को कम करें तो क्रॉनिकली अगर कम हो रही है उसके अमाउंट तो उसके इफेक्ट्स में ये होगा कि हमारे जो इंडोसोलर फ्लूड है ना वहाँ से थोड़े बहुत सोडियम क्लोराइड और दूसरा एंड बाहर आके ना कम्पनसेट करते रहेंगे तो उस केस में थोड़ा बचत हो सकती है लेकिन अगर आपकी आराम आराम सुकून सुकून से हो रही है सर से एक्यूट हाइपोनट्री में हो रहा है लेकिन आप एकदम से उसको ट्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा सोडियम उसको बंदे में इन्फ्यूज़ कर दो लेकिन उस बंदे में तो ऑलरेडी आईसीएफ से आ रहा था ना सोडियम और आपने भी इन्फ्यूज़ कर दिया तो उस केस में एक जैसे कह सकते हैं कि वो शॉक की कंडीशन होगी कि बहुत ज़्यादा उसमें सोडियम आइन्स आ जाएंगे और बहुत ज्यादा सोडियम सोडियमाइंस आने की वजह से बेसिकली ये होता है कि हमारी जो डी डी हो जाती है हमारे न्यूरोन्स के हमारे न्यूरोस डैमेज हो जाते हैं और उस केस में फिर ये हो सकता है कि डेफिनेटली uh, वहाँ पर फिर न्यूरोनल डैमेज होगा तो एम्पल्स कंडक्शन में भी मसला होगा तो इस तरह से अगर आप हमारा क्रॉनिक हाइपर नट्रीमा हुआ है ना तो उस केस में फिर डेफिनेटली हमें ट्रीटमेंट भी स्लोली करना चाहिए कि आप ऐसा ऐसा ओवर पीरियड ऑफ टाइम इन्फ्यूज़ करो सोडियम आयंस या कोई भी आयंस अच्छा आप कॉजेज ऑफ हाइपर नटीमिया देख लेते हैं या डेफिनेटली अगर आपकी बॉडी से पानी निकल जाए तो जो बाकी सोल्यूट्स बचेंगे वो डेफिनेटली ज़्यादा होंगे तो जो ज़्यादा सल्यूट्स होते हैं उसके इसमें कैसे कैसे हो सकता है उसमें भी हमने जैसे प्रीवियसली डिस्कस किया था वैसे इसकी भी हम कुछ कैटेगराइजेशन कर लेते हैं कि हाइपर न्यूट्रीन में या डीहाइड्रेशन डीहाइड्रेशन कैसे, कैसे कैसे हो सकती है बर्न्स हो गए बंदे में ठीक है बर्न्स हो गया वोन्स हो गए फ्लूड डैमेज फ्लूड आपका लॉस हो गया तो डेफिनेटली बाकी जो बचेंगे हमारे आइंस वो कंसनट्रेट हो जाएंगे और हाइपर न्यूट्रीन कॉस कर देंगे इसके अलावा डायबिटीज डायबिटिस में बहुत ज़्यादा एक यूरिन का लॉस लॉस नहीं खैर लेकिन यूरिन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है तो डायलिट यूरिन होता है केस में भी जो बाकी आयंस बचेंगे वो ज्यादा होंगे बॉडी में तो एक हाइपर की कंडीशन बन सकती है और और इसमें अगर हम देखें कि व्हाट विल बी द इफेक्ट्स ऑफ हाइपर ऑन और बॉडी तो वो हम देख लेते हैं अच्छा जी हाइपर के अफेक्ट्स में मेजरली जो अगर हम देखें ना तो तब आते हैं नॉर्मली नहीं आते इसके ये बहुत रेयर कंडीशन होती है हाइपर क्योंकि नॉर्मली ऐसा और होता है कि जैसे आप आपकी बॉडी में थोड़ा सा हाइपर होने लगता है ना थोड़ा सा आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाए तो आपको थर्ड्स मैकानिजम एक्टिवेट हो जाता है और आप फौरन से पहले पानी पीकर कर उसको बैलेंस आउट कर देते हो लेकिन अगर आपकी बॉडी में कोई हाइपोथेमिक लीजन हुआ हुआ है जिस केस में आपके हाइपोथेमस काम नहीं कर रहा और आपकी बॉडी मतलब उस प्यास की फीलिंग को नहीं रिस्पोंड कर पा रहे हो और पानी नहीं पी रहे हो तो उसके इसमें क्या होगा वो हाइपर और और मैग्नीफाई होता रहेगा हो और आपकी बॉडी में एट दी एंड हाइपर लाइक डिवेलप हो जाएगा ना कंडीशन उसकी क्रोनिक होती रहेगी तो हम ही बात करते हैं कि नॉर्मली इसका नहीं आता इन्फ्लुएंस अगर इन्फ्लुएंस अगर हम कहें ना कि क्या आएगा तो सल श्रिंकेज हो जाएगा एज वी नो हर जगह पे जहाँ भी हाइपर ऑस्मोटिक कंडीशन बनती हैं वहाँ पे सल की श्रिंकेज हो जाएगी तो मतलब ये ऐसे टोल कि आम लोगों में नहीं होता मतलब बच्चों में हो सकता है जिनको पता ना हो कि हम प्यास लगे पानी पीना होता है या फिर एल्डरली लोगों में हो सकता है जो मतलब मेंटल इंस्टेबिलि इंस्टेबिलिटी से गुजरे हों ठीक है बस ये जल्दी से आगे मूव करते हैं अच्छा जी डीमा क्या होता है डीमा इज विनो के एक्नेशन फ्लूड एक्नेशन फ्लूड अब सेल्स में भी हो सकता है सेल्स के बाहर भी हो सकता है सेल्स के बाहर होगा तो इंट्रोस्टल फ्लूडर डीमा होगा सेल्स के अंदर होगा तो इंट्रो सेलोर डीमा होगा तो हम बेसिकली इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ई सी एफ डीमा एफ डीमा ठीक है अच्छा पहले हम बात करते हैं अबाउट दी the... कौन सा डीमा की हम पहले बात कर रहे हैं अच्छा हम पहले आई सी एफ की बात करें आईसी एफ डीमा कब कब डेवलप हो सकता है दो केसेस बल्कि तीन केसेस है एक होता है हाइपोनेट्रीमे हाइपोनेट्रीम में मैं एज वी टोल्ड यू कि जब भी हमारा बाहर पानी बाहर सो, सोलिड्स सो वगैरह कम हो जाएंगे तो डेफिनेटली पानी अंदर मूव करेगा क्योंकि वहाँ पे पा, बाहर पानी भी तो ज़्यादा है ना सोलिड कम है तो हमारे पानी ज़्यादा है तो हाइपोनटीमा में एडीमा डिवलप हो जाएगा कौन सा डीमा आईसी एफ डीमा ठीक है हम कैटेगरीज में डिवाइड करने के बाद उसको उसी कॉजेज को देख रहे हैं ना सेकंड यह हो जाता है कि अगर आपकी जो सेल्स है वहाँ पर मेटाबोलिक उसका जो सिस्टम है वो आपके डिप्रेस हो जाए तो भी आपका डीमा डिवलप हो सकता है आई सी एफ क्यों होता है मैं बताती हूँ बाद में थर्डली अगर आपके सेल्स को न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा तो भी आपका सेलर डीम डिवेलप हो सकता है वो क्यों होता है मैं आपको बताती हूँ देखो यार जब आपके सेल्स को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा मतलब कि वहाँ पर एनर्जी नहीं मिल रही मतलब न्यूट्रिशन ना मिले या आप मेटाबोलिक सिस्टम से इसे काम ना ना करें इन बहुत केसेस एनर्जी प्रोड्यूस तो नहीं ना हो रही है ए टी भी तो प्रोड्यूस नहीं हो रही तो क्या होगा कि जो आपके होते हैं ना सेल्स के वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं ठीक है बाहर भी जा रहे। लेकिन एनर्जी तो नहीं है काम करने की तो उस केस में क्या होगा? सिर्फ सोडियम अंदर ही आएगा बाहर नहीं जा सकता अंदर आएगा सोडियम तो उसके केस में ऑस्मोसिस के साथ थोड़ा पानी भी खिसक खिसक के अंदर आ जाएगा तो अगर पानी भी अंदर आ गया तो हम क्या कहते हैं कहते हैं तो आई सिर्फ एडीमा डिवेलप हो जाएगा ठीक है बात की तो, केसे तो तीन केसेस है, हैं हाइपरनट्रीमिया डिप्रेशन ऑफ द मेटाबॉलिक सिस्टम्स एंड द लैक ऑफ न्यूट्रिशन टू द सेल्स तो ये तीन केसेस डिमा डेवलप कर देंगे आइसफेडीमा डेवलप कर देंगे हाय लल जी यहां मैं सांस नहीं आ रहा पानी भी नहीं मिल रहा अच्छा ई सी एफ डीमा कब को डेवलप हो सकता है ई सी एफ डीमा तब तो डेवलप होगा तब तब डिवेलप होगा फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कैपिलरीज uh, बहुत ज़्यादा लीक की हो गई हैं ठीक है वो बहुत uh, बड़ी अमाउंट में फ्लूड्स को लीक आउट कर रही हैं टू तो द इंडस्ट्रेशियल स्पेसिस मतलब बेसिकली ई सफ को कह लो आप तो होगा ई सी एफ डीमा या फिर अगर आप देखो यार uh, फ्लूड लीक करना कोई बड़ी बात नहीं है हाँ फ्लूड का वापस से जनरल सर्कुलेशन में रिटर्न ना होना वो बड़ी बात है क्योंकि वो होता है बाफ लिम्फैटिक्स अगर आप लिम्फैटिक्स काम नहीं करती मतलब वो ऑब्सट्रक्ट हो गए या फिर उनकी अमाउंट ही कम हो गया मतलब कि वजल्स ही नहीं बन रही जेनरली प्रेजेंट ही नहीं है उस केस में ये होगा कि आपका जो फ्लूड निकल आया बेचारा लीक आउट हो गया फ्रॉम द कैपिलरीज इनटू द एफ वो वापस नहीं जा पाएगा तो दो केसेज हो गए एक तो हो गया लीकेज थ्रू द कैपिलरीज में कॉज कर सकते दूसरा हो गया ब्लॉकेज ऑफ वेजल्स या एनी अब नॉर्मेलिटी ऑफ इम्फेटिक वजल्स जो पंप आउट वापस ना कर पाए फ्लूड को उस केस में ई e. से हो सकता है तो दीज टू आर द केसेस ई फ्री में अच्छा एस टोल्ड की ई फ्री में दो कॉज़ होता है एक तो कैपिलरी की पम्पेबिलिटी ज़्यादा हो जाए और कैपिलरी की फिल्ट्रेशन कब ज़्यादा होगी अच्छा कैपिलरी की फिल्ट्रेशन के हमने कुछ फॉर्मूला पढ़ाता एक था हाँ फिल्ट्रेशन इक्वल टू तो टाइम्स द यार ये फॉर्मूला मैं तुम लोग को समझा दे अपनी फॉमूला के मुताबिक मतलब बस ये है कि अच्छा इसमें जो के एफ ना के एफ़ बेसिकली बेस बेस कैपिली सॉरी फिल्ट्रेशन कोफिशेंट फिल्ट्रेशन कॉफिशियंट क्या होता है फिल्ट्रेशन कॉपिशन ये होता है कि कैपलिक पेमिलिटी कितनी है और कैपिलरी का सर्फेस एरिया कितना है तो ये दोनों फैक्टर्स मिलकर क्या बनाते हैं कैपिलरी कोफिशेंट और फट सॉरी फिल्ट्रेशन कोफिशेंट और जो सेकंड चीज़ है जो ब्रैकेट में आपको नजर आ रहे हैं वो है कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर माइनस टाइम द इंटरस्टिशियल दिन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर माइनस टाइम द कैपिलरी वो कपिलरी ऑस्मोटिक प्रेशर ठीक है प्लस द इंटासेशियलियलियलियलियल फ्यूड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली हम यहाँ पे प्रोटीन्स की रेफरेंस से कंसडर करें क्योंकि जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं आई में हो या ईसी में हो बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट कर रही होती हैं तो दिस इज़ अ फॉमूला फॉर फिल्ट्रेशन तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप देखो अगर आपका किसी भी वजह से आपका कपिलरी प्रेशर ज़्यादा होता है तो फिल्ट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी ठीक है या किसी भी वजह से आपका इंटासेशियल फ्ड में प्रोटीन की अमाउंट कम होती है तो भी आपकी क्या हो जाएगी वो फिल्ट्रेशन uh, शुरू हो जाएगी डेफिनेटली क्योंकि अगर आग, प्रोटीन ही तो हमें चाहिए होता है वाटर को बाउंड रखने के लिए तो अगर किसी जगह पर प्रोटीन कम हो जाए तो डेफिनेटली वहाँ पर भी आपके पानी की अमाउंट ज़्यादा होने लग जाती है अच्छा जी तो ये देखो अब तीन कैसे अगर आपकी कपड़े की फिल्ट्रेशन कोफिशेंट ज़्यादा हो जाए मतलब कि आपके मेमब्रेन लीकी हो जाए वहाँ की ठीक है पम्पबिलिटी ज़्यादा हो जाए तो उसके इसमें आपकी फिल्ट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी कैपिलरी से इसके अलावा आपके कैपिलरी का हार्डोस्टिक प्रेशर ज्यादा हो जाए या फिर अगर प्लाज्मा का कालो ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाए मतलब कि वो बाउंड रखने के लिए वो ही नहीं है ऑस्मोटिक प्रेशर प्लाज्मा के प्रोटीस का उस केस में भी फिल्ट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और अल्टीमेटली क्या होगा इससे आप में डिमेट डेवलप हो जाएगा लिंफ की बात होती है मैंने आप लोगों को बात बताया ना कि एक तो होता है कि आप लीक ज़्यादा हो रहा है सेकंड ये कि वापस रिटर्न नहीं हो रहा है एन टू दा सर्कुलेशन बाय द वे ऑफ लिम्फैटिक्स तो उसके साथ अगर, अगर लम्फैटिक्स वजह है ना अगर लिम्फैटिक्स की वजह से डीमा डेवलप हो रहा है तो हम कहेंगे लिम्फ या फिर लिम्फोजेनिक डीमा ठीक है तो ये बात होगी बहुत वजह होती है कई बार कैंसर सेल्स होते हैं ना वो एक ट्यूमर सा बना देते हैं वो आपके लम्फैटिस को ऑब्सट्रक्ट कर देते हैं या फिर ऐसा होता है कि जेनेटिकली आप में लिम्फैटिक्स प्रेजेंट ही नहीं है या फिर आपकी सर्जरी हुई है मस्टेक्टमीम हो या, या रेडिकल सॉरी रेडियल रेडियल मिस्टेटमी भी होता है कि आपकी काफ़ी सारी वजल्स को काटना पड़ता है लम्फैटिक वजल्स को जिस वजह से डेफिनेटली जो बाकी बचेंगे वो इतनी इनफ नहीं होंगे कि आपके वाकई वापस असलूट को जनरल सर्कुलेशन में भेज सकें तो ये आर वेरियस फैक्टर्स जो जिसकी वजह से लिम्फोजेनिक लिम्फोजिन डेवलप हो सकते हैं ठीक है अच्छा फिर कुछ जनरल कॉजेज होती हैं ए सी या की अच्छा यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं जस्ट अ सेकेंड रीनल के चक्कर मुझे खुद डिहाइड्रेशन हो गई थी खैर वी आर बैक अच्छा जी तो हम बात कर रहे थे अबाउट द जनरल कॉजेज ऑफ ए सी या फीमा एज वी टोल्ड एज अ टोल्ड यू किस किस वजह से हो सकती हैं कि आपका अगर लिम्फैटिक्स वापस से ना लेकर जा रहे हो अगर आपकी कभी प्रेशर ज़्यादा हो जो आपकी कभी से लीक आउट हो रहा है फ्लूड In both cases, capital, oh, sorry. इससे फिर डिमांड डेवलप हो सकता है अच्छा ये बात होगी लेकिन इसके अलावा भी कुछ कॉज होते हैं मतलब हमने ही बात की कि कैपिलरी प्रेशर ज्यादा होगा तो ही उसमें से लीक आउट होगा लेकिन कैपिलरी प्रेशर ज्यादा होने की क्या वजूहत है क्यों कैपिलरी प्रेशर ज्यादा हो रहा है तो उसकी वन ऑफ द मेजर कॉजेज है हार्ट फेलियर या डेफिनेटली अगर आपका हार्ट फेल हो गया मतलब कि हार्ट पंप नहीं कर पा रहा हार्ट पंप नहीं कर पा रहा मतलब कि जो ब्लड उसमें आ रहा है वो उसको फर्दर आगे नहीं भेज पा रहा अगर वो उसको आगे नहीं भेज पा रहा मतलब जो फर्दर ब्लड नीचे पैरफ्री पड़ा हुआ है वो वापस हार्ट में कैसे आएगा उसमें तो ऑलरेडी ब्लड पड़ा हुआ है ना तो उसके इसमें जो ब्लड है ना है वो जो ब्लड है ना वो बेसिकली आपकी पेरीफ्री में ही कंपलीट कर जाएगा पूल अप हो जाएगा पूल अपने वजह से ये होगा कि वहाँ का प्रेशर राइज करने लग जाएगा पहले विनस प्रेशर ज़्यादा होगा फिर बाद में कपलेट प्रेशर ज़्यादा होगा और एट दी एंड कपलेट प्रेशर ज़्यादा होने वजह से लीकिंग ऑफ फ्लूड होने लग जाएगी और आपकी जो नीचे टांगों हो साइड पर डीमा हो जाएगा एज़ वी हैव सीन इन मनी पेशेंट्स राइट सो इन दिस वे हार्ट फेलियर भी एडिमा कर सकते हैं और आपको जस आपका जस्ट आपका लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर राइट साइड नॉर्मल है तो उसमें इसमें यह होगा कि आपका लेफ्ट साइड पम्प नहीं करेगी जबकि राइट साइड है वो आपके लंग्स में पम्प करती रहेगी और सिंस आपके लंग्स में पम्प करता होता जा रहा है लेकिन आपको लंग्स हैं वहाँ से निकल नहीं रहा ब्लड तो लंग्स में भी अडीमा हो सकता है जिससे तो हम कहते हैं पलमनरी अडीमा ठीक है तो ये हमने बात देख ली और कुछ जनरल कॉजेज हैं एडीमा की कि अगर किडनी बहुत ज़्यादा फ्लूड कम्पलीट करने लग जाए मतलब बहुत ज़्यादा रिटेन करने लग जाए फ्लूड तो फ्लूड निकल ही नहीं पा रहा उसमें बेसिकली किडनी रिलेटेड डिजीज़ होती हैं फॉर एग्जाम्पल नफरोजीनिक रीमा उसम बेसिकली कह सकते हैं कि नफर आपको जो नफ्रोन्स या किडनीज उसकी रीज़न बनती हैं और इसके अलावा अगर पैरालीज हो जाए मसल्स का लगे आप जो टांगों के मसल्स हैं वो मतलब इनको हम कहते हैं ना वीनस पंप टांगों के मसल से ब्लड को वापस ऊपर भेज रहे होते हैं अगर आपके टांगों के मसल्स किसी वजह से फॉर सम रीज़न पैरालाइज हो जाए तो ब्लड वापस ऊपर से पंप नहीं हो पा रहा है नीचे पैरफ्रेस से ऊपर नहीं आ पा रहा तो उस केस में भी आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है इसके अलावा अगर आपकी ब्लड में प्रोटीन्स की अमाउंट कम होगी क्योंकि प्रोटीन से उस मोटिव प्रेशर जनरेट कर रहे होते हैं तो उस केस में क्या होगा हाँ वो दो तरह से हो सकती है कि अगर आपकी प्रोटीन सही से बन नहीं पा रही बन लिवर एंड डू टू सम लिवर डिजीज़ तो भी आपका आई डीम डेवलप हो सकता है फिर आपकी किडनीज़ आपकी बॉडी की प्रोटीन्स को एक्सक्रीट uh, करती जा रही हैं जो कि कर सकती है इन सम डिजीज फॉर एग्जाम्पल नेफ्रोटिक सिंड्रोम उसमें बॉडी की प्रोटीन्स uh, एक्सक्रीट हो रही होती है हमारे किडनीज इन बहुत केसेस प्रोटीन्स कम होंगी तो ऑनगॉटिक प्रेशर कम होगा फ्लू आपकी ईसीएफ का और एज रिजल्ट ऑफ विच यू विल सी कि आपका एडिमा डेवलप हो सकता है ठीक है अच्छा इसके अलावा मतलब और बहुत सारे केसेस हैं जैसे टोल की कैंसर की वजह से इन्फेक्शन की वजह से सर्जरी की वजह से कई बार इम्फैटिक्स हमारी अब नॉर्मल हो जाती हैं और हमारा ब्लड में वापस से सारा फ्लूड नहीं आ पाता फ्रॉम आर ई सी एफ़ तो उस केस में भी ई सी एफ डी हो सकता है तो ये बहुत सारी केसेज हैं जो हम देख चुके हैं अच्छा जी फिर बात करते हैं कि रीमा कोस बड़े डिक्रीज बना प्रोटीनस आ जाए टोटली का लिवर वजह होती है उसकी ठीक है लिवर सिरोसिस का सिरोसिस कर गया सिरोसिस मतलब वहाँ पर फाइब्रस टिशू कमलेट हो गया तो उस केस में आपका लिवर फंक्शन तो नहीं आना आपका लिवर प्रोटीन सिंसाइज नहीं कर पाएगा तो प्रोटीन कम है मतलब कि ऑस्मोटिक प्रेशर कम है आपके ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है तो वहाँ पर फ्लूड को रोक ही नहीं सकता फ्लूड सिमली लीक आउट कर जाएगा इंटर पैर आपके इंटोस्टम और इंटरसिशियम में रीमा हो जाएगा हम इसे फ्रीमा स्टडी करें इसकी हेडिंग यही ठीक है इसके अलावा जब आपका लिवर सिरोसिस करता है तो लिवर एक हार्ड फाइब्रस टिशू बन जाता है इसकी वजह से जो उसके नीचे वजह पड़ रही है ना फॉर एग्जाम्पल पोर्टल सिस्टम पड़ता है, है।, तो है ना के ऊपर तो आपके जो जी आर टी ना वहां की वेजल में ब्लड करना लग जाता है उसके इसमें जो होता है ना, उसमें बोलते हैं एस आई टीज ठीक है उसमें फिर एस होते हैं एस आई टीज़ भी बेसिकली ई सेफ रीमा लेकिन स्पेसिफिक है पेट्रोलियन कैविटी या इस रीजन के लिए ठीक है जो पेट में आपको पानी पड़ जाता है ना उसमें एस आई आते हैं और उसमें एज मच एज ट्वेंटी लीटर्स ऑफ वाटर कम्यूलेट हो जाता है बॉडी में मतलब बेसिकली पेट्रोलियन कैविटीज़ में अच्छा फिर बात करते हैं कि नॉर्मली हमारी बॉडी में कई बार ऐसा होता है कि बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो एडिमा की तरफ हमें लेकर जा रहे होते हैं बट इसलिए हमारी बॉडी हमें उससे प्रोटेक्ट कर लेती है बिकॉज हमारे पास एक सेफ्टी फैक्टर होता है और एक दिन तीन दिन सेफ्टी फैक्टर्स होते हैं ठीक है अब वो सेफ्टी फैक्टर्स क्या हैं जो एडिमा को प्रिवेंट करते हैं कि एडिमा ना हो वो तीन है फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हमारी बॉडी में ना हर टाइम जो स्पेसिस है ना हमारी बॉडी के वहाँ पर एक नेगेटिव प्रेशर होता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल हमारे जो सबको टेनिस टिशूज है हमारी स्किन के नीचे वाले टिश्यूज वहाँ पर हर टाइम ना जो प्रेशर होता है ना वो सब एटमोफेयर होता है मतलब जीरो से कम होता है फॉर एग्जाम्पल माइनस थ्री होता है ठीक है तो माइनस थ्री तो तो ना ना एक सक्शन सक्शन सी रहती है तो उसके जो नॉर्मली फ्लूड हमारे मतलब ईसीएफ में ना ही आए तो अच्छा है ठीक है जरा सा फलूड आता है ना तो उसको वापस से बम बैक करने की कोशिश करती है ठीक है उसका भी रीजन मैं आप लोगों को बात बताती हूँ उसका रीजन हमें इसमें मिलेगा अच्छा मैं आपको एक्सप्लेन भी करती हूँ सारे रीजन पहले बस अब याद रखो कि एक रीजन क्या है नेगेटिव प्रेशर जो कि जिस वजह से कंप्लाइंस कम होती है हमारे ईसीएफ की ठीक है कंप्लाइज हम किसे कह रहे हैं बेसिकली और ये नेगेटिव प्रेशर क्यों उसमें हेल्प आउट करो हम बाद में देखते हैं फिलहाल जैसा जैसा आप याद रखो कि okay. हमारे पास जो बॉडी की डिफरेंट ई की स्पेसिज हैं वहाँ पर नॉर्मली नेगेटिव प्रेशर ही होता है एक सेक्शन प्रेशर ही होता है सेकंड ये कि हमारे जो लम्फैटिक्स हैं वो दे, जैसे देखती है ना कि हमारा ई सी एफ है विद वाटर वो जल्दी सिर्फ अपने लम्फैटिक्स पैक को ज़्यादा कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर वो वन फोल्ड है ना तो उसको टेन टू फिफ़्टी फोल्ड तक इंक्रीज़ कर देंगी जिस वजह से मोर एंड मोर एंड मोर वाटर जो है वो बैक होगा इन टू द जनरल सर्कुलेशन ताकि उसकी हम अडीमा को रोक सकें थर्ड ये होता है कि जब ये लम्फैटिक वो जैसे पम्प बैक कर रहे होते हैं चीज़ों को वो साथ साथ प्रोटीन्स को भी पंप बैक कर रही होती हैं और इसलिए क्योंकि वाटर के साथ ना कई बार प्रोटीस भी लीक आउट हो जाते हैं इन टू द ई तो जो ये वॉशिंग ऑफ ऑफ प्रोटीस है ना फ्रॉम द ई ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज प्रोटीन्स बेसिकली एज एन एस्मोटिकली एक्टिव सब्सटांसिस हैं तो अपने साथ पानी को रोक रही होती हैं तो जब वो निकल जाती है ना फ्रॉम द ई सी द जनरल सर्कुलेशन तो वहाँ से फिर पानी भी निकल जाता है तो दीज थ्री आर द सेफ्टी फैक्टर्स जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर प्रिवेंटिंग प्रीवेंटिंग इन इनआर बॉडी ठीक है अच्छा जी अब हम इनको बारे में स्टडी करेंगे डेफिनेटली एक एक को पकड़ के तो जो फर्स्ट वन है दैट इज नेगेटिव प्रेशर कॉजिंग डिक्रीज कंप्लाइंस अच्छा इसका क्या रीज़न है ये ये सीन है मैं बताती हूँ फॉर एग्जाम्पल आपका एक uh, कोई भी इंडस्ट्रियल स्पेस है ना या कोई भी आपकी ईसीएफ वाली स्पेस है वहाँ पर नेगेटिव प्रेशर होता है नेगेटिव प्रेशर मतलब वहाँ पर सक्शन प्रेशर होता है सक्शन मतलब टाइटली बाउंड होती हैं सारी प्लेसेस आपस में ना अच्छा जैसे थोड़ा सा उसमें पानी आता है ना द वे ऑफ लीकिंग थ्रू दिटी ठीक है थोड़े से पानी से ना मतलब उसकी कंप्लाइंस चूँकि वहाँ पर जब तक वहाँ पर नेगेटिव प्रेशर रहेगा ना वह की कंप्लाइंस बहुत कम होगी कम्पलाइंस बेसिकली हम किसे करते हैं कंपलाइंस हम लोगों के लिए वर्ड रीज़न गया है वो बंदा बंदा बड़ा कंप्लाइंट है कंप्लाइंट मतलब ये होता है कि बहुत ही ना सादा सा है वो अपने उसका साथ कुछ भी करोगे ना वो अपना करने देगा ठीक है जबकि जो नॉन कंप्लाइंट होता है ना ये होता है कि आप कुछ भी करो वो किसी रजिस्ट करे ठीक है ये होती है नॉन कंपलायंस तो जब तक नेगेटिव प्रेशर रहता है ना किसी भी ई वाली स्पेस में तब तक वहाँ पर नॉन कंप्लाइंस रहती है मतलब कि आप थोड़ा सा भी उसमें फ्लू डालने की कोशिश करोगे फौरन रजिस्ट करेगी वहाँ पर प्रेशर डिवलप हो जाएगा ठीक है सो ये एक uh, रीज़न होती है कि जब भी आप नेगेटिव प्रेशर वाली जगह पे फ्लूड डालने की कोशिश करते हैं तो वहाँ का प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है एक जैसे इन दिस केस द आईसीएफ प्रेशर आईसीएफ का हाइड्रोसिटिव प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो रिजिस्ट करेगा, करेगा ICF, या अपोज करेगा इंट्री फ्लूड इन टू द आई या आई सॉरी बेसिकली आई एफ इंटरसेशल फ्यूड मैंने पहले आई सी एफ बोल दिया मैं मतलब ई आई एफ था इंटरसेशल फ्यूड या ई सी एफ में जब भी पानी आने की कोशिश करेगा तो उसको रिजिस्ट किया जाएगा बाय द वे ऑफ दिस सक्शन प्रेशर ठीक है और इस वजह से मतलब रुक जाएगा फिर पानी और नहीं आएगा लेकिन एक बार ये नेगेटिव प्रेशर खत्म हो जाए ना हो गया ना अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हो आप ई सी एफ में या आई एफ में तो उस केस में क्या होगा सक्शन प्रेशर एट देंट खत्म हो जाएगा तो एक बार खत्म हो गया तो बिजार जो एक नॉन कम्पलाइंस है वो खत्म हो जाती है और वहाँ पर फिर क्या आ जाती है कम्पलाइंस आ जाती है वो बेचारा इतना ढीला पड़ जाता है कि आप जितना मर्जी पानी डाले जाओ डाले जाओ ऑल जो वहाँ पर प्रेशर डिवेलप होगा इन इन दिस केस देखो जब तक वहाँ पे लो कम्पलाइंस नहीं ना जब तक वहाँ पे सक्शन प्रेशर था जो सी है तब तक हम हमने हमने थोड़ा सा पानी डाला ना और बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप हो गया ठीक है इसी प्रेशर आपका यहाँ तक चला गया आ, रुको मुझे पॉइंट लेने दो अच्छा मतलब देखो हमने हमने फ्लूड डाला थोड़ा सा ठीक है यहाँ तक और प्रेशर आप जनरेट होगा यहाँ तक लेकिन जब आपकी वहाँ पे कम्प्लाइंस ज़्यादा होगी ना मतलब ना कि आप नहाँ पे अब फ्लूड ज़्यादा डाल गया वहाँ पे जो नेगेटिव प्रेशर था जो सक्शन प्रेशर था वो खत्म हो गया तो हमने अब फ्लूड उतना ही डाला है लेकिन जो प्रेशर है वो देखो यहाँ तक जनरेट हो गया ठीक है सो इन दिस वे वी हैव सीन कि किस तरह से आप कम्पलाइंस और नॉन कम्पलाइंस वाले कंडीशन में सिर्फ सक्शन प्रेशर ही है जो हमारा काम आ सकता है ये नेगेटिव प्रेशर ही है जो हमारे काम आ सकता है और उसका होना कितना इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए अच्छा जी हम्म इंडस्ट्रेशल जेल के बारे में बात करते हैं जो आगे कल टॉपिक्स है ना बिल्कुल फूलूल से मतलब इतना घसीट घसीटीट है इसको एक्सप्लेन किया हालांकि उसमें बात छोटी सी लिखी हुई है बस ये बात यह है कि जो हमारा इंडस्ट्रियल फिलुड है उसमें पानी ऐसे सिंपली लाइक एज अ फॉर्म ऑफ द फॉर्म ऑफ फ्री वाटर नहीं पड़ा होता उसको बेसिकली बाउंड किया होता है जिसे कह सकते हैं प्रोटिग्लाइकन फिल्मेंट्स ने एस वी नो कि हमारे जो ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं हमारी बॉडी की ग्राउंड सब्सटेंस है कि जो बेसिकली इंडस्ट्रेशल स्पेसिस में पड़ी होती है सब्सटेंस वो बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ़ प्रोटिगुलाइकस होते हैं एज एव डिस्कस इन फर्स्ट ईयर भी तो जो वो प्रोटोकॉल फिलामेंट्स होते हैं या जो कोलाजन फेबरल होते हैं इन्होंने बेसिकली पानी को ना बाउंड किया होता है एक मेशवर्क से बना के ना मेशवर्क से बनाए होते हैं इन फिलामेंट्स ने उनके अंदर पानी ऐसे ड्रॉपर्स की फॉर्म में पड़ा होता है पानी कोई फ्री स्पेस में नहीं पड़ा होता ठीक है यही वजह है कि जब भी आपका डीमा डिवेलप होने लगता है तो उसको ना बेसिकली जगह नहीं मिलती डेवलप होने की क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी एक मेशवर्कस पड़े हुए हैं ठीक है तो अगर ये मेवक्स ना हो तो ये अल्लाह तरफ से ना कुदरत तरफ से एक ये अच्छी चीज़ है कि मेशवर्कस की फॉर्म में चीज़ें पड़ी होती हैं सो दैट दे विल नॉट बी दे विल नॉट बी गिविंग द वे फॉर द वॉर टू पास थ्रू ना इस वजह से ये चीज़ें होती हैं और जो फिल्मेंट्स होते हैं देट ऑल्सो एज अ स्पेसर स्पेसर मतलब कि डिफरेंट सेल्स के दरमियान में स्पेसिंग कर देते हैं अदरवाइज जो चीज़ें होती हैं सोल्यूट उनको यू नो पास थ्रू करने में प्रॉब्लम होती अखड़ोसा सेल्स तो उनको एज अ स्पेसर डिफरेंट जगह से सेपरेट आउट कर देते हैं अच्छा फिर एक बात होती है पिटिंग एंड नॉन पिटिंग अडीमन में क्या फर्क है अच्छा पिटिंग अडीमा बेसिकली हम कहते हैं ई सी एफ वाले डीमा हो ई सी वाले डीमा हम इसलिए पिटिंग डीमा कहते हैं क्योंकि एज ए टोल ड्यू के ऑल दो हमारी बॉडी के अंदर फ्री स्पेसिस नहीं होती ना मतलब ई सी एफ में फ्री स्पेस नहीं होती क्योंकि वहाँ पर मेशो की फॉर्म पड़ा होता है पानी लेकिन अगर पानी बहुत ज़्यादा आ गया डीमा बहुत ज्यादा वैल्प होगा उसके इसमें होता है ये कि छोटे छोटे पूल्स बन जाते हैं पानी के अब एक छोटे छोटे घर से चैनल्स बन जाते हैं तो पानी ना एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट हो सकता है क्योंकि अब वो सिस्टम खत्म हो गया मतलब सक्शन प्रेशर भी खत्म हो चुका है अब वो 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 फिल्म काम के नहीं रहे ठीक है उस केस में अगर बॉडी के एक हिस्से को जब एडिमा हो उसका दबाओगे ना तो पानी ना वहाँ से कहीं और ट्रेवल कर जाएगा और वो हिस्सा क्या हो जाएगा पिटिट हो जाएगा ठीक है तो इसीलिए इसको डीमा को हम क्या कहते हैं पिटेड डर क्योंकि यहाँ पे फिर एक पिट सी बांध जाएगी जब थोड़ी देर के जब छोड़ोगे ना उसको तो थोड़ी देर बाद मतलब जब पानी वहाँ पे वापस होगा तो तब दोबारा से सूझेगा वो अंदर ही रहेगा ठीक है तो जिससे तो कॉल पिटेड डीमा ठीक है इसके अलावा इसके कंट्रास्ट में सेकंड दैट इज़ अ नॉन पिटिंग डीमा वो ये होता है कि अगर आपका आई सी एफ में फ्लूड को कमिनेशन हो तो उसके इसमें अगर उस जगह को दबाते रहो तो वो जगह दबे थोड़ी देर दबेगी बाद में फौरन उसी टाइम वैसे वैसे ही वैसे हो जाएगी वहाँ पर पिटिंग नहीं डेवलप होगी तो आई सी एफ डीमा इस कॉल एज पटिंग नॉन पिटिंग अडीम और जो आपका ई सी एफ डीम है इज कॉल एज पिटिंग अडीमा ठीक है इसके अलावा अगर आपका है ई सी एफ का डीमा लेकिन वहाँ पर फिर क्लॉट्स बने हुए हैं ठीक है फिर तो नहीं क्या कह सकते फिब्रोजिन के क्लॉट्स बने हुए हैं और उन फिब्रोजिन के क्लॉट्स ने उस जगह को जैसे कह सकते हैं कि जो डिफरेंट चैनल्स है जो डिफरेंट चैनल्स uh, के जरिए जो फ्लूड इधर उधर मूव करता है उसको बंद किया हुआ है उसके ऐसे फिर पिटिंग का डीमा डिवेल्प नहीं होगा तो अगर पिटिंग का डीमा डिवेलप होता है दैट इज अफ डीमा लेकिन अगर आपको पिटिंग का डीमा डिवेलप नहीं होता उसके इसमें या तो आपका आई सफ डीम है या फिर हमें फिब्रोजिन क्लॉट्स बनाए जैसे जो ई uh, सफ है उसमें पानी फ्लो फ्रीली फ्लो नहीं कर पा रहा ठीक है अच्छा जी लिफ फ्लो सेफ्टी फैक्टर हम एक बार फिर डेवलप आपको बता देती हूँ यार सेफ्टी uh, फैक्टर्स uh, का ना हाँ लिप फ्लो सेफ्टी फैक्टर ये था बेसिकली अच्छा मैं आपको जो पहला वाला बताया ना कि जो सक्शन प्रेशर की वजह से पोज पोजोज किया जाता है फ्लूड के जैसे कह सकते हैं कि फ्लूड के इनफ्लो क्वेंट होता है हाँ उसकी वैल्यू होती है तकरीबन सेवन मिली ऑफ मरकरी ठीक है तकरीबन सेवन मिली ऑफ मरकरी होती है इसकी वैल्यू सेवन uh, होती है या कुछ इतनी तो होती है यार थ्री होती है सॉरी माई बैड थ्री अभी हम यही डिस्कस कर रहे हैं ठीक है तो थ्री मिलीमीटर का मरकरी होता है लाइक मैं क्यों होते हैं थ्री मिलीमीटर मरकरी एज अ टोल कि हमारे जो जो हमारे ए वाले स्पेसेस होते हैं एज यू टेक एन एग्जाम्पल फोर था आपके जो सब कुटेंट इशूज होते हैं ठीक है सबको टेंट इशू की जो ई सी एफ है ना वहाँ पर आपका नेगेटिव प्रेशर होता हो था, हो था, है वो होता तकरीबन तरीबन माइनस थ्री मिलट्री मरकरी एंड ऐसे टोटल जब तक ये नेगेटिव में रहेगा तब तक अपोजीशन होती रहेगी सक्शन की तब तक मतलब ना कुछ भी इसमें अगर आप डालोगे ना फ्लिड तो वो उसको अपोज करेगी करेगी सक्शन लेकिन अगर आप माइनस थ्री से जीरो पर ले आओ अब वहाँ पर क्या आ जाएगी कंप्लाइंस आ जाएगा आप कुछ भी उसमें इंट्रोड्यूस करते रहो ना वो आराम से कौन सा इंट्रोड्यूस होता रहेगा ठीक है तो मतलब जो सेफ्टी फैक्टर होगा होगा तकरीबन थ्री मिलीमीटर तो मरकर क्योंकि आपको उसको माइनस थ्री से जीरो पर लाना है मतलब थ्री मिनट मेट मरकरी उसको ज़्यादा करना है प्रेशर को तो थ्री मिलीमीटर मिनट ऑफ मरकरी आपका तकरीबन तो है सेफ्टी फैक्टर फॉर दी नॉन कंप्लायस कॉज बाय सक्शन प्रेशर इन द ए ठीक है तो ये आपकी सेफ्टी फैक्टर आ गया थ्री मिलीमीटर मिनट ऑफ मर्करी का अच्छा सेकेंड जो सेफ्टी फैक्टर था वो था बाय द फ्लो ऑफ लिम्फ ठीक है जो हमने कहा था कि लिम्फ एज ज्यादा हो जाएंगे अमाउंट में टेन टू फिफ्टी टाइम्स ज्यादा हो जाएंगी और वो ज़्यादा से ज्यादा फ्लूड को निकालेंगे फ्रॉम द ए सो दैट वहाँ पर डीम डेवलप ना हो हमने ये बात की थी यहाँ पर तो उसके फिर ये होगा बेसिकली कि उसके जो एक सेफ्टी फैक्टर हुआ है तकरीबन सेवन मिलीमीटर मर्करी वो इस तरह से सेवन मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर को अकोमोडेट कर सकते हैं ठीक है लिफेटिक्स में इतनी ताकत होती है कि तकरीबन अगर सेवन मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर इंक्रीज़ हो रहे ई सी एफ तो उसको वो कंट्रोल में ला सकते हैं ठीक है अच्छा थर्ड हमने जो बात की थी वो थी हमने वॉश डाउन ऑफ प्रोटीन्स है डेफिनेटली जो प्रोटीन्स होते हैं टोलडी बिफोर कि वो उसमो प्रेशर जनरेट करते हैं उनको निकालना भी बहुत इंपॉर्टेंटेंटेंटेंटेंट होता है जो लिफैटिकस होते हैं वही प्रोटीन्स को मिसाल लेके जाते हो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो लम्फैटिक वजस है दे आर परमेबल टू प्रोटीन्स जो कैपिलिटीज़ हैं दर इन 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 टू प्रोटीन्स अगर आप किसी वजह से भी कोई भी अब डिजीज टेट है और आपकी कैपिलिटी से निकल भी आए हैं प्रोटीस इन टू दाई सी एफ तो आपके जो लम्फैटिक्स होते हैं एज टोल के परमेबल होते हैं तो टू प्रोटीस वो उसको वॉश ऑफ कर देंगे फ्राम द एसीट एंड क्या हो जाएगा अगर प्रोटीन्स कम है तो वहाँ पर फिर वाटर भी कम हो जाएगा तो इस आपका डीमा डेवलप नहीं होगा और जो सेफ्टी फैक्टर है फॉर द वॉशिंग डाउन ऑफ प्रोटीन्स वो भी अगेन सेवन मिली ऑफ मरकरी है ठीक तो, uh, है तो वॉशिंग डाउन ऑफ प्रोटीन्स का कितना है सेवन मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो आपका लेंथ वैसे ज़्यादा होने की वजह से जो एक सेफ्टी uh, फैक्टर है वो भी है तकरीबन सेवन मिलीमीटर ऑफ मरकरी और जो हमारा सक्शन प्रेशर नॉन कम्पलाइंस है वो भी है वो है सॉरी थ्री मिलीमीटर थ्री मिली मीटर से मर करी तो ओवरऑल तकरीबन आपका जो सेफ्टी फैक्टर बनता है अगेंस्ट डीमा दैट इज़ अबाउट सेवनटीन मिली ऑफ मरकरी और या फिर आप ये कहो कि अबाउट डबल द टाइम्स ऑफ कैपिलरी प्रेशर जो नॉर्मल केस में कितना होता है तकरीबन टेन होता है ना ऑन एवरेज टेन मिली ऑफ मरकरी होता है या आई थिंक सेवन होता है ना सेवन टू टेन ही होता है तो अगर आपको डबल भी हो जाए लाइक तकरीबन 14 टू 20 मिलीमीटर ऑफ मरकरी भी हो जाए तब तब भी 17 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक का एक कह सकते हैं कि सेफ्टी फैक्टर रहता है जो कि प्रिवेंट करता है एडीमा अच्छा पोटेंशियल स्पेसि होते हैं कुछ बॉडी की जो मतलब प्रॉपर स्पेस होने हैं मगर जस्ट दो इन इनकॉन्टैक्ट हैं और मैम में फिल्म ऑफ फ्लुड प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल स्पेस क्योंकि जब फिल्म ऑफ फ्लूड हो जस्ट इसलिए प्रेजेंट ताकि वो सर्फेसज आपस में रगड़ ना खाए उनमें तो थोड़ी सी लुब्रिकेशन रहे ठीक है उस जगह हम लोग एक पोटेंशियल स्पेस कहते हैं ठीक है और अगर उस पोटेंशियल स्पेस में वाटर की या किसी भी फ्लूड की अकोमलेन हो जिससे हम कहते हैं इफ्यूजन उस समय डीमा नहीं कहते उसके लिए हम एक सेपरेट टर्म यूज़ करते हैं हम बोलते हैं इफ्यूजन जैसे हमने प्लोरल इफ्यूजन का नाम सुना था जैसे हमने पेरिकार्डल इफ्यूजन का नाम सुना था ये पेरिकार्डल कैविटी प्लोरल कैविटी आपके जो जॉइंट की स्पेसिज होती हैं जैसे हम लोग बरसाए भी बोलते हैं कई किसी में वो सान्यूवल फ्लूड भी बोलते हैं उन सब में अगर डीमा डेवलप होता है हम उस हम क्या बोलेंगे हम बोलेंगे एफ्यूजन लेकिन अगर ये यूजन डेवलप होते हैं तो पेरिटोनियल कैविटी उसका उसके लिए हम स्पेशल वर्ड यूज़ करते हैं एस आई टी जैसे बिफोर है ना जो कि तकरीबन ट्वेंटी लीटर्स ऑफ फ्लूड को कॉम्लेट कर सकती है अपने साथ अच्छा जी सो दे वॉज ऑल दे वॉज ऑल अबाउट इट तो इन द सेम वे आपके जो पोटेंशियल स्पेसिस हैं वहाँ पर भी इम्फेटिक वजल्स डेफिटली प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रिवेंट करती हैं डीमो को डेवलप होने से और इसको निकालती रहती हैं है, है ना तो इन दिस वे डीमो को हम हर तरह से प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं फिर भी अगर खुदा खासा डीमो डिवेल्प हो जाए तो डेफिनेटली हम डायबिटिक्स लेंगे उस बंदे को डायबिटिक्स देंगे उसकी बॉडी से पानी को निकालने की कोशिश करेंगे और मतलब ये एक जैसे कह सकते हैं कि नेगेटिव साइकिल भी चलने लग जाता है कि जब भी मतलब हार्ट फेलियर हो ना अगर हार्ट फेलियर हो तो आपकी किडनी से भी ब्लड नहीं पहुंच पाता क्योंकि ब्लड पंप ही नहीं हो रहा था तो कि जो किडनीस होती है ना बेचारी वो समझते हैं कि शायद मतलब बॉडी में ना प्रेशर फॉल करेगा तो रनिन रिलीज़ करते हैं रनिन से क्या होता है फर्दर आपका जो वो एंजोटेंसन बनता है इसलिए एल्टर बनता है तो और ही और आपका पानी जो होता है वो री हो रहा था किडनी से तो री और ज़्यादा होता है और ही आपके हार्ट पर स्ट्रेन पड़ता है तो इस तरह से एक नेगेटिव एक साइकिल भी चल पड़ती है कि किडनीज बेचारी रनिंग कर हैं हार्ट वहाँ से और फेल होता जा रहा है तो हार्ट फेल देर से किडनी फेल फेलियर तो सब कुछ फेल हो जाता है सो दीज आर द सम ऑफ द थिंग्स रिगार्डिंग आर चैप्टर ट्वेंटी फाइव जो कि यार ये बहुत लेंथी चैप्टर था पता है नेक्स्ट वाला थोड़ा सा है थोड़ा छोटा है एज कंपेयर टू दिस छोटा है ठीक है तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट अटर लेवल हार्ट के मैच समझा दूँ सब कुछ एन नो बहुत लंबी वीडियो हो गई बट यार बस बर्दाश्त कर लें थोड़ी देर खैर थैंक यू सो मच यार अल्लाह हाफिज़